आजा, फिर बंद हो गया ये चल जा अरे मारो मुझे भाई बच्चों मैं गरीब हो गई हूं मेरी लाइट खराब हो गई है स्टूडियो की बेसिकली मेरी लाइट नहीं स्टूडियो की लाइट खराब हो गई है अरे भाई बच्चों एक सेकंड, ओके अभी के लिए तो चल जाएगा काम फिर देखते हैं चलो भाई तो फटाफट से सारे बच्चे आ जाओ। एक बार यार क्लास को लाइक और शेयर कर दो गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हो आप लोग कैसा हो आपका हिंदी का पेपर टचवुड यार जितने मेरे को रेस्पॉन्स मिले मजा आ गया मतलब कसम से मन कर रहा था आकर हक कर लू सबको इतना मजा आ गया मुझे वीडियोस देखकर इतना मजा आ गया आपके मैसेजेस देख के टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मजा आ गया और उससे दुगना मजा चाहिए अपने को इंग्लिश के पेपर में ठीक है तो पहले तो यार मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से फटाफट से आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दो बिल्कुल भी लाइक्स नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी शेयर नहीं दिख रहा है लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी ठीक है और आपका पेपर अच्छा गया बहुत बढ़िया बहुत बहुत अच्छा गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओएमआर में दिक्कत हुई क्यों बताया नहीं वहां पर जो एग्जामिनर थे उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या तो यार मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस में और वीडियोस में भी बोला जो वीडियो मैंने चैनल पर भी अपलोड करी है स्टूडेंट रिएक्शन की अगर आपने नहीं देखी है बाद में देख लेना सोते हुए तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम जो आपने टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजी थी ना सेट ए में से तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे क्या ऐसा हुआ था क्या आपके क्वेश्चन पेपर में आए कोई ऐसे क्वेश्चन या मिलते जुलते क्वेश्चन जो हमने किए क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया कि भाई बिल्कुल डिटो क्वेश्चन उठकर आया था अगर ऐसा हुआ है तो मैं बहुत बहुत खुश हूं ठीक है जी थैंक्स फॉर हिंदी वेरी नाइस थैंक यू सो मच चलो आ जाओ अपने को थैंक्स नहीं बोलते ठीक है आ जाओ फटाफट फड़ से अब यार आज से हमारी इंग्लिश की क्लासेस बच्चों धुआंधार तरीके से शुरू हो रही हैं बहुत पहले से मैं आपको बताती आई हूं हर जगह मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है क्या क्या आपको इन क्लासेस में मिलने वाला है ये भी मैं आपको बता चुकी हूं बट मैं एक और बार बताऊंगी क्योंकि आज से हमारी क्लास शुरू हो रही है देखो सबसे पहले यार आज इतना प्रेशर नहीं लेना ठीक है प्रेशर को गोली मार दो प्रेशर नहीं लेना आज से ठीक है अभी देखो हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट फिर भी नहीं था ठीक है फिर भी अपन ने मचाया उसमें इंग्लिश तो मेरा घोट के पिया हुआ सब्जेक्ट है तो उसमें तो अपन क्या ही करेंगे भूल ही जाओ आग लगा देंगे ठीक है so, सो सबसे पहले सबसे पहले सारे बच्चे एक लंबी सांस लो जहां जहां बैठे हो हाँ वॉशरूम में बैठे हो तो अलग बात है बाहर आके ले लेना ठीक है और कमेंट सेक्शन में लिख दो आई कैन डू इट जल्दी फायर इमोजी जल्दी जल्दी देखो अगर किसी का हिंदी का पेपर थोड़ा बहुत बेकार हुआ है रह गया है अभी गया ना पेपर गया ना अभी इंग्लिश पे फोकस कर लो का अच्छा जाएगा तो वो कंपनसेट हो जाएगा दोनों language ही है। दोनों language paper है, ठीक है तो मैंने देखा नहीं कि कि किसी ने बोला इतना बेकार गया। ऐसा तो मुझे कोई बच्चा अभी तक दिखा नहीं बट फिर भी मैं बोल रही हूँ अगर एक परसेंट ऊपर नीचे हुआ है इंग्लिश में यार कर लगा देंगे आग क्या दिक्कत है कोई दिक्कत थोड़ी है ठीक है चलो जी फटाफट आओ पहले फटाफट से आ जाओ क्लास में आज कोई भी बच्चा स्ट्रेस नहीं लेगा आज स्ट्रेस फ्री क्लास है टनटन कल से सुबह दस बजे पता है ना कल सुबह दस बजे से अपन लग जाएंगे जोश में अपने को जरूरत नहीं है अपन छे, -छे करे, चार चार क्लासेस करे दो, दो तीन तीन क्लासेस करें जहां जरूरत है वहां करेंगे जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करेंगे ठीक है एक ही क्लास अपने लिए काफी है चलो तो फटाफट से आओ पहले सारे बच्चे अच्छा अब कॉमेंट सेक्शन में मुझे यह बताओ जिस दिन मैं आपको हिंदी शुरू करा रही थी उस दिन भी मैंने आपसे आपका हाल पूछा था अगर मैं आपको घुसाते ही क्लास में घुस गए और सीधा पढ़ाने लग जाऊं तो भाई फिर क्या फायदा उसका पहले अपने को थोड़ा बेस तो पता होना चाहिए ना कितना आता है क्या पढ़ना है कैसे करना है ये तो बता दो कोई है कि नहीं भाई सो so स्वीट अगर आपने ये कमेंट किया होता तो मैं पिन कर देती मजा आ गया आपका कमेंट कॉमेंट के गंधर्व ने किया रिक्वेस्टिंग टू ऑल द जूनियर्स ऐसे करके कुछ गंधर्व का कमेंट है रिक्वेस्टिंग टू ऑल द जूनियर्स टू फॉलो हर इन योर लास्ट डेज ऑफ प्रेपरेशन फॉर इंग्लिश आई माइसेल ऑफ अवर जस्ट ट्रस्ट हर थैंक यू सो मच मेरी जान दैट मीन्स अ लॉर्ड टू मी एंड मतलब मैं थैंक यू ही बोल सकती हूँ मीन्स लॉट टू मी के आपने सीनियर होके यहाँ पे जूनियर्स को आके कॉमेंट करा उनके लिए दैट मीन्स अ लॉर्ट थैंक यू आई लव यू चलिए सो सबसे पहले मुझे ये बत, बच्चे ये बता दो कि अगर आपको टू में अपने आप को रैंक करना हो कि इंग्लिश अभी तक कितना आता है तो क्या नंबर दोगे सबसे पहले मुझे ये बताओ फटाफट से मेरी जान क्लास को लाइक और शेयर करते लो लाइक्स नहीं दिख रहे हैं, मुझे ना शेयर दिख रहा है लाइक और शेयर करते जाओ और मुझे कमेंट में बताते जाओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कितने क्या दस में से आप कितना रैंक करोगे मैं काम करती हूँ पोल कर देती हूँ इस चीज के लिए तो ठीक है मैंने आज अपने सामने ही रख लिया कि कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोल करने हो तो भाई अब कोई मदद के लिए नहीं है मेरी मैं अकेले रहती हूँ मैं खुद ही कर लू सो so, यहां पर मैं एक नंबर दे रही हूं वन टू थ्री के बीच में रैंक करोगे थ्री टू फाइव के बीच में रैंक करोगे या फिर आप अब अब फाइव खुद को रैंक करोगे ठीक है तो ये मैंने पोल डाल दिया है मुझे अपना आंसर दो क्योंकि देखो बेटा आपको पढ़ाना शुरू करने से पहले ये तो मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको लिखवा कर ले लो मेरे से साइन करा लो नीचे कुछ मर्जी करा लो अभी सीनियर ने भी आकर करके और अपना जो है वो बता दिया कि भैया देखो मैम से पढ़ लो चार दिन नैया पार हो जाएगी तो है ना तो गारंटीड है कि आपके नाइनटी प्लस नंबर अगर आप एवरेज बच्चे हो तो नाइनटी प्लस अगर आप एवरेज से थोड़े ऊपर बच्चे हो तो नाइनटी फाइव प्लस और फुल नंबर भी मैं आपके दिलवाऊंगी ये मेरा प्रॉमिस है आपको इंग्लिश में ये मेरा प्रॉमिस है आप लिखवा के ले लो बट उससे पहले मुझे चाहिए कि मुझे पता तो हो कि मेरी क्लास में जो मेरे प्रिय बच्चे हैं जो मेरे सोनू नोनू मोनू टाइप के बच्चे हैं वो खुद को कहां पर देख रहे हैं ये तो मुझे पता हो ना और देखो कोई शर्म नहीं है ये बोलने में कि हमें कुछ नहीं आता क्योंकि आज दिन पहला है कोई शर्म नहीं है ये बोलने में कि भैया नहीं आता अब नहीं आता तो नहीं आता भाई क्या करें सीखने तो आए हैं आपसे है ना मैम जज थोड़ी कर लेगी नहीं आता तो भाई नहीं आता सिखाओगे आप आपका काम है सिखाना मेरे कजिन ने आपका चैनल रिकमेंड किया लॉट्स ऑफ लव टू योर कजिन आने मैम है तो सब पॉसिबल है आई स्वेर गाइस आज मुझे इतना लो फील हो रहा था बट ऑल योर कमेंट्स ऑल योर लव आई मीन दैट्स अ लॉट टू मी मैं बता भी नहीं सकती चलिए ठीक है तो अभी बेसिकली मुझे आ, वोट मिल गए हैं पाँच हज़ार बच्चों ने वोट कर दिए तो अभी हम लोग क्लास को फटाफट -फड़ से शुरू करते हैं मैं आप लोगों को आ, क्लास शुरू करने से पहले अगेन जो मैंने आपको दोपहर में चीज बोली थी एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगी क्योंकि मुझ में कीड़ा है ठीक है मुझे ओसीडी है मुझे लगता है मेरे हर बच्चे को बेस्ट से बेस्ट मिलना चाहिए तो इसलिए मैं ना बार 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 एक ही चीज़ को इसलिए रिपीट करती हूँ मम्मियों की तरह क्योंकि आई केयर फॉर यू ठीक है आई रियली केयर फॉर यू अलॉट and that is the reason I repeat every single thing again and again जैसे मम्मिया होती है ना खाना खा ले खा ले बार बार एक ही चीज बोलेंगी हमें इरिटेटिंग लगता है बट हमें फॉर यू गाइज तो मैं यहाँ पर सिर्फ काम की बात बताऊंगी ज्यादा फालतू सर खप्पी नहीं करूंगी देखो तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ की इन चार दिनों में मैं आपको क्या क्या देने वाली हूँ इन चार दिनों में डिटेल्ड तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको खाली समरी दे दूंगी मैं चाहती हूँ एक ही लेक्चर में सारी चीजें हो अगर हम फर्स्ट फ्लाइट कर रहे हैं तो उसी में आपकी सारी पोएट्री भी हो जाए उसी में आपका सारा चैप्टर्स भी हो जाए उसी में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाए बच्चे को दर दर ना भटकना पड़े बच्चे को अलग अलग क्लास अटेंड ना करना पड़े ठीक है उसे पता हो कि भाई जैसे मैं अगर मेरा बोर्ड का पेपर है जैसे मैं पढ़ूंगी पहले लेटर टू गॉड फिर मैंने एक कविता पढ़ ली डस्ट ऑफ स्नो फिर मैंने एक फुटप्रिंट्स का चैप्टर तो मैं बिल्कुल वैसे तरीके से ही पढ़ाने वाली हूँ कि बच्चे को प्रेशर भी ना लगे और सारी चीजें हो जाए तो समरी समरी अगर मेरे चैनल पर आओगे तो आपको नहीं मिलेगी बिकॉज आपके पचास प्रतिशत जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं बेटा अभी सुन लो आज पहला दिन है ना तो मैं समझा रही हूँ आगे चार दिन हम कैसे चलने वाले हैं समझ रहे हो वो दिमाग में रहेगा ना तो अच्छे से पढ़ पाएंगे जैसे आप लोग भी पढ़ने बैठते हो तो पहले टाइम टेबल तो लिखते हो ना कुछ तो टू तो डू लिस्ट होगी तो वो टू डू लिस्ट बनवा रही हूँ तो ऐसे मत सोचना चल ज्ञान दे रही है ऐसा नहीं है बेटा प्लीज मेरी बात सुनो इंपॉर्टेंट है ठीक है थोड़ी इज्जत करो यार भाई की चलो सो so, अभी मेरी बात सुन लो सारा डर मैं निकाल दूंगी मेरी बात सुन लो बस प्लीज ठीक है so, सो यहां पर मैं ये चाह रही हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो जाए क्योंकि 50 प्रतिशत पेपर आपका उसी पर आ रहा है ना स्किल बेस्ड पेपर है आपका आपका वो पेपर है ही नहीं कि आपको क्वेश्चन आंसर को रट्टा मार के लिखना है क्वेश्चन आंसर्स के साथ स्किल भी पैदा करानी है बच्चे में वो चार दिन में कैसे करानी है वो मेरी जिम्मेदारी है ठीक है तो ये आपको चीजें मिलेंगी आपको मेरे चैनल पर ग्रामर के क्वेश्चंस के साथ डिटेल्ड ग्रामर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा यानी कि जिस दिन आपकी ग्रामर की मैरेथन है उस दिन मैं आपको खाली क्वेश्चन नहीं कराऊंगी दो क्लासेस होंगी आपकी ठीक है इवन एक शुभम पाठक मैम के चैनल पर भी मैं आपकी क्लास लूंगी ठीक है जी तो वहां पर भी एक हमारी क्लास होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी तो ग्रामर का समझाऊंगी और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज हमारी मैंने क्या बोला बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पढ़ाऊंगी ठीक है तो अभी सरप्राइज रिवील नहीं करा अभी करूंगी सैंपल पेपर के सेशन मिलेंगे ढेर सारा प्यार तो मेरी तरफ से तुम्हें मिलता ही है चलिए तो फर्स्ट फ्लाइट की क्लास हमारी कल सुबह दस बजे है पूरा फर्स्ट फ्लाइट करा दूंगी पोएट्री वगैरह सब करा दूंगी इसी में ठीक है पोएट्री पोएटिक डिवाइज के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अलग अलग क्लासेस में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर नेक्स्ट है आपकी फुटप्रिंट्स की क्लास है, अगले दिन सुबह दस, दस बजे फुल ग्रामर की क्लास है और उसके बाद अगले दिन आपकी कंप्लीट इंग्लिश की क्लास होने वाली है एम आई क्लियर और सुबह पांच बजे तो हम मिलेंगे अगर इतना क्लियर है फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं बता दो मुझे एक नहीं बताती है बच्चे भी अलाइन रहे, उन्हें भी पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं किस दिन पढ़ रहे हैं हम वरना ऐसे ही मुंह टाके कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा ना फिर तो सिलेबस रखा का धरा का धरा रह जाएगा सिलेबस क्या उखाड़ लेंगे हम सिलेबस में ये भी तो देखो ना बेटा समझ में आया अगर समझ में आया तो सारे बच्चे फायर इमोजी भेज दो फटाफट -फड़। और प्लीज देखो हिंदी में तो मैंने सुन लिया था इंग्लिश में मत बोलना जल्दी करो जल्दी करो भाई ये ना सही में मुझे बड़ा बुरा लगता है क्योंकि भाई मेरी अपनी एक स्पीड है मैं उसी से पढ़ा सकती हूँ बच्चों मैं जल्दी करो जल्दी करो नहीं कर सकती ठीक है एक स्पीड है एक लह है एक फ्लो है क्लास का यार थोड़ा मजे से पढ़ो प्रेशर क्यों लेना है बे मतलब का जल्दी करो जल्दी करो चलिए अब देखो मेरा सरप्राइज जो मैं आपके लिए रिवील कर रही हूं आप लोग ये तो बिलीव करोगे ना अब आज की क्लास शुरू हो गई है सारे बच्चों का टेंशन मुझे चाहिए लगभग 6000 बच्चे मुझे देख रहे हैं मैं सभी से दरख्वास्त करूंगी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरी जान क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना सो दैट वी कैन रीच टू यू नो वाइडर ऑडियंस चलो तो अब मुझे ये बताओ आपको ये तो पता है ना कि दुनिया का कोई भी टीचर आपको रीडिंग पैसेज और राइटिंग एक दिन में प्रो नहीं बना सकता क्या आप इस सच से वाकिफ हो यस और नो क्योंकि मैं सॉल्यूशन लाई हूं इसका जल्दी बताओ येस और नो क्या आपको ये सच पता है ना कि अगर कोई आपको बोले कि ये एक क्लास से अनसिन पैसेज की मतलब पूरा तुम कर आओगे तो वो तो तुम्हें पता है ना कि वो झूठ है वो पॉसिबल नहीं है ये तो पता है ना अगर ऐसा होता तो सबको दुनिया में हर कोई अनसिन पैसेज कोई भी उठा के कर लेता राइट तो उसी के लिए मैंने डिसाइड करा है कि आज से ही मैं क्या करने वाली यस, बट मुझे मुझे उसमें आपका चाहिए. मुझे उसमें आपका आपका सपोर्ट सपोर्ट चाहिए। चाहिए। मैं आज से ही है पचास हजार बच्चे हमारी टेलीग्राम चैनल का फैमिली है ओ, टेलीग्राम, हाँ, टेलीग्राम चैनल की फैमिली है तो मैंने अब से लेकर अगले पांच दिनों तक आपको कुछ भी करने की जरूरत जरूरत नहीं है मैं चाहती हूँ आप लोग केवल पढ़ाई पर ध्यान दें आपके लिए सारा काम मैं करूंगी यानी कि मैं आपको आज जो पढ़ाऊंगी उसी से रिलेटेड रिलेटेड और उसी से पैसेजेस रोज रात को आपको भेजा करूंगी आपको रोज अर्ली मॉर्निंग जब भी आप लोग उठते हो अगर आप देर रात तक पढ़ रहे हो तो रात में या अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठ रहे हो आप उस पैसेज को सॉल्व करोगे और हमारी टेलीग्राम फैमिली पे शेयर करोगे तो मैंने अपने टेलीग्राम का जो मैसेजेस है वो मैंने खोल दिया है मैं आपको दिखा देती हूँ इवन मुझे कम्युनिटी पोस्ट भी करना था हिंदी का रेस्पॉन्स बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने करा नहीं बट मैं करूंगी जरूर तो मैं आपको दिखा देती हूँ नंबर पर ही टेलीग्राम का लिंक है तो आप देख रहे हो कि हमारी जो फैमिली है वो यहाँ पर अपने मैसेजेस भी करती है तो ऐसा नहीं है कि खाली मैं ही बोलती हूँ ये लोग भी ये बच्चे भी मुझसे कनेक्टेड रहते हैं और ये बच्चे भी मैसेजेस जो है वो करते हैं मुझे तो मैं आपके लिए मैं आपके लिए रीडिंग पैसेजेस और राइटिंग के जो एग्जाम्पल है वो भेजा करूंगी राइटिंग आपको पढ़ के सोना है जितने भी मैं भेजूंगी दो तीन भेजूंगी दो तीन रात में पढ़ो सो जाओ पढ़ने से दिमाग में आपकी वो चीज बैठ जाएगी और रीडिंग पैसेज जो मैं अभी सिखाऊंगी उससे आपको सत्तर प्रतिशत रीडिंग पैसेज आ जाएगा जो बचा हुआ थर्टी प्रतिशत है ना वो आपको आएगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे अब आप बच्चों के पास इतना टाइम है नहीं कि आप लोग खुद से सॉल्व करें तो आपका वो काम करूंगी मैं मतलब खुद से ढूंढे तो वो काम कब मैं करूंगी मैं आपको दिया करूंगी इवन सुबह उठ के मैं उसके आंसर्स भी शेयर किया करूंगी क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर एक बच्चे के लिए चेक करना तो आप लोग अपने आंसर्स चेक करोगे और टेलीग्राम पे शेयर करोगे अपने स्कोर ताकि बाकी बच्चों के भी लिए आप इंस्पिरेशन बन सके एम आई क्लियर एम आई क्लियर एक बार यस मैम तो बोल दो यार ठीक है So, बिल्कुल भी रीडिंग और राइटिंग में नहीं घबराना आज जो पढ़ाऊंगी उसे होंगे जो लोग बोलते हैं लैंग्वेज में पूरे नंबर नहीं मिलते वो पागल है चलो आगे आ जाओ ये वाली वीडियो जरूर देख लेना अगर अभी भी आपने नहीं देखी है चैनल पे डाल दी है ये वीडियो देखने से आपकी जो टू डू लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी सारे बच्चे टू डू लिस्ट बना के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करेंगे या तो टेलीग्राम पे फोटो भेजेंगे ठीक है है टू डू लिस्ट मतलब कि मैम ने क्या प्लान दिया है? वो प्लान दिया वो को को एक शीट शीट पे पे लिखोगे और उस शीट को अपने दीवार या स्टडी टेबल पे लगाओगे उसकी फोटो खींचोगे नीचे लिखोगे टू डू लिस्ट डन और इंस्टाग्राम पे टैग करोगे या फिर टेलीग्राम पे फोटो भेजोगे ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे मेरे असली बच्चे हैं चलिए कल सुबह दस बजे क्लास में आना ना भूले फर्स्ट फ्लाइट की ऐसी की तैसी कर देंगे हम लोग शुरू करते हैं फटाफट फड़ से हम लोग अब फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ दो ही टॉपिक है हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है मैं कोई ज्यादा ग्रंथ में नहीं जाऊंगी ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी फालतू का जो नीडेड नहीं है ठीक है अभी मुझे फटाफट फड़ से बता दो मैंने सारा ज्ञान दे दिया जो मुझे देना था अब रोजाना में इतना ज्ञान नहीं दिया करूंगी एक बारी जरूरी होता है बच्चों को बताना शुरू करें थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए थक गई मैं पानी ले लेती हूँ थोड़ा अब मुझे ये बता दो शुरू करें जल्दी बता दो फायर ही मुझे कमेंट कर दो लिखकर की मैम ओपी डैडी थोड़ा पानी दे दो गला सूख गया चलो भाई मजा ही मजा शाम सवेरे हूं ना मौच कितनी बुरा गा रही हो यार मैं फटी हुई आवाज में ऑल राइट चलिए तो सबसे पहले लेटर टू एडिटर करेंगे फिर एनालिटिकल पैराग्राफ करेंगे फिर रीडिंग पैसेज करेंगे ठीक है अब लेटर टू एडिटर में कुछ भी नहीं करना आज पत्र लेखन करके आए हो ना तो कल मैंने जो तुम्हें समझाया था वो बिल्कुल डिटो चेपना है, और कुछ भी नहीं करना सबसे पहले आएगा तुम्हारा सेंडर का एड्रेस अब यहाँ पे दो चार चीजें हैं जिसका तुम्हें खास तौर पर ध्यान रखना है जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था हिंदी के पेपर में ध्यान रखने के लिए ठीक है अभी टॉपर की आंसर शीट भी दिखाऊंगी ठीक है टॉपर की आंसर शीट भी वक्त आने पे दिखाऊंगी तो फालतू तो में परेशान मत हो। ऑल राइट चलो जी। ठीक है तो यहां पर कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो वही वाली मान लो ये आपकी आंसर शीट है अच्छा मैं ये क्यों बना रही हूँ मेरे पास तो असली आंसर शीट है भाई कहा है मेरी आंसर शीट येरी तो भला हो आईडियो कार्ड वालों का जिन्होंने मुझे आंसर शीट भिजवाई थी तो यहाँ पर ये जो आंसर शीट है तुम्हारी मैंने तुम्हें कल भी बताया था मैं तुम्हें आज भी बता रही हूं ठीक है क्या बता रही हूं कि भाई ये बॉर्डर होता है ना इसका ये बॉर्डर है अच्छा ये बताओ आज बॉर्डर बना हुआ था आंसर शीट पे यह बनाकर आए हो आज आपके आंसर शीट पे बॉर्डर जो था वो बना हुआ था या पेंसिल और स्केल से ऐसे तुमने लाइन खींची है यहां पर ऐसे पेंसिल और स्केल रखकर लाइन खींची है तुमने ये बताओ मेरे को जल्दी अरे अभी रुक जा यार तू अन पैसेज ऐसी की, की तैसी कर देंगे रुक जा तू अभी बना हुआ था पहले से ही था ना हाँ ठीक है तो बना हुआ था तो बहुत बढ़िया नहीं बना तो तुमने बना लिया होगा दोनों ही केस में करना क्या है मैंने तुम्हें कल भी बताया था आज भी बता रही हूँ भाई इस चीज के नंबर होते हैं मेरे भाइयों और प्यारी बहनों एस के नीचे डी डी के नीचे टी टी के नीचे एन इस चीज का ध्यान रखना है माने इसी लाइन से जुड़कर इसी लाइन में ऐसे सिधख में आना चाहिए ऐसे स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए ठीक है ठीके? पागलों की तरह इधर-उधर 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 नहीं करना माने कि मा, ऐसे मान लो मैंने यहां पर कोई एड्रेस लिखा जे जी 45 ठीक है और फिर मैं यहां से लिख रही हूं जनकपुरी ठीक है तो ये वाला जो स्पेस था ये तो मेरा छूट गया ये जे के नीचे वाला स्पेस तो छूट गया इस चीज के के बोर्ड के पेपर में नंबर नंबर कटते हैं हैं काटे जाते ठीक है तो ये वाली गलती नंबर वन हमें नहीं करनी अपनी कॉपी में लिख लो इसको दूसरी चीज अब आ जाओ फटाफट -फड़ से देखो यार किसी भी किसी भी लेटर को लिखने का एक प्रॉपर स्टाइल है मुझे पता है पत्र लेखन में क्या होता है हिंदी हमें आती है इंग्लिश हमें नहीं आती मैं अभी तुम्हें इन तीनों बॉडी में क्या लिखना है जो मेरे पहले बच्चे मैंने उन्हें बता रखा है।, है? है।, है? है।, है, है देखो सेंडर एड्रेस लिखोगे दो लाइन में ठीक है दो से तीन लाइन में भी लिख सकते हो पर दो लाइन में खत्म कर देना लिख के अगर तो सेंडर एड्रेस तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है आजकल तो क्वेश्चन में भाई कुछ नहीं देते ठीक है तो यहां पर नहीं दिया हुआ तो कुछ भी अपने मर्जी से लिखाना वरना कुछ भी ना दिमाग में आए एक्स वाई जेड एग्जामिनेशन हॉल लिखाना ठीक तो दो लाइन में सेंडर एड्रेस मतलब जो भेज रहा है उसका एड्रेस आप लोग लिखोगे उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है लीव अ लाइन लीव अ लाइन ठीक है जी समझ में आया अब गैप देने के बाद सीधा तुम लोग अपनी डेट पे आ जाओ फटाफट -फड़ से तो डेट की ना एक एक बात याद रखना मैं यहाँ पर अपने बर्थडे की डेट डाल के दिखा देती हूँ बहुत ही छोटी सी बात तुम्हें याँ पर याद रखनी है मेरी जान क्या याद रखोगे मेरे बच्चों देखो डेट पर ना ऐसे मत डालना जैसे ये मेरे बर्थडे की डेट है तो डेट यहाँ पर ऐसे मत डालना कि आपने ऐसे डाल दी ठीक है 29 अगस्त करके और 2024 डाल दिया या कोई भी डेट डाल दी आज की डेट डाल दी है ना तो आप लोग ये गलती बेटा कतई मत करना मेरी जान ये गलती बिल्कुल मत करना ठीक है बच्चे तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे आप डेट को हमेशा एक्सपैंड मतलब जब तुमने इतना लिख दिया अब तुम्हें क्या करना है फिर से एक लाइन का तुम्हें गैप देना ये ब्लू वाली लाइन मतलब अपने को एक लाइन छोड़ना है ठीक है ब्लू वाली लाइन का मतलब क्या है कि अपने को एक लाइन छोड़ना है समझ में आया जिन बच्चों को इंग्लिश का शेड्यूल नहीं पता कमेंट में पूछ रहे हैं ऊपर कमेंट पिन कर रखा है उसमें लिंक है लिंक पे क्लिक करो पूरा का पूरा इंग्लिश शेड्यूल की वीडियो आ जाएगी उसको अपनी कॉपी में लिखो वरना वो टेलीग्राम पे भेजो या फिर इंस्टाग्राम पे टैग कर लो ठीक है पर ये सब क्लास की बात करना क्लास इंपॉर्टेंट है ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी मुझे तुम्हारे डेढ़ या दो घंटा चाहिए तो प्लीज मेरी बात को सुन लो ठीक है बेटा मेरी जान प्लीज मेरी बात को सुन लो फटाफट से सारे बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम अपन खोटी नहीं करेंगे तो ब्लू वाली लाइन मतलब अपने को भैया लाइन छोड़नी है ठीक है भाई लीवा लाइन अब उसके बाद अपन क्या करेंगे देखो अब आएगा बेटा तीन लाइन में थ्री लाइंस में रिसीवर का एड्रेस जैसे अभी हिंदी के पेपर में करके आए हो ना बिल्कुल वैसे ही रिसीवर्स का एड्रेस आपको डालना है ठीक है बच्चे हिंदी के पेपर में करके आए ना डाला था ना रिसीवर का एड्रेस डालना दा था ना प्रधानाचार्य या जिस पे भी आया होगा तुम्हारा पत्र बिल्कुल वैसे ही यहां पर बच्चे क्या करना है तेरे को यहाँ पर तेरे को तीन लाइन में रिसीवर का एड्रेस डालना है ठीक अब रिसीवर एड्रेस में तू सबसे पहले उस आदमी का नाम डालेगा जिसको तुझे लिखना है जैसे मान ले अगर द एडिटर को लिख रहे हैं ना अगर तेरे क्वेश्चन पेपर में आया है कि तू एडिटर को चेप दे लेटर तो तुम एडिटर का नाम डाल दोगे अगर तेरे क्वेश्चन पेपर में आए कि तू किसी और को लिख फॉर्मल लेटर तो तू उसका नाम लिख देगा ठीक है सो द एडिटर लिख दिया अब उसके बाद क्या करेगा न्यूज़पेपर का नाम डालना है ठीक है अब अगर तो न्यूज़पेपर का नाम दोबारा वही बात हो गई तेरे क्वेश्चन पेपर में दे रखा है तो बेटा वेल एंड गुड है ठीक है अगर तो तेरे क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा तो क्या करना है खुद से डाल दे टाइम्स ऑफ इंडिया डाल दे हिंदुस्तान टाइम डाल दे फलाना डाल दे कुछ मर्जी डाल दे सानू की ठीक है तो वो डाल दे अब उसके बाद जब तेरी लास्ट लाइन होगी ना वहां पर तू जो ऊपर एड्रेस में डालेगा ना न्यू दिल्ली डालेगा या जयपुर डालेगा या बॉम्बे डालेगा वही तू नीचे भी डाल दियो ठीक है तो मान ले तूने न्यू दिल्ली डाला है तो यहाँ पे कोई फलाना मार्ग लिख दे जैसे कि अगस्त क्रांति मार्ग मैंने तो बचपन से यही याद कर रखा है तो अगस्त क्रांति मार्ग कॉमा डाल के न्यू दिल्ली वन वन जीरो जीरो कुछ भी डाल दो ठीक है तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा एड्रेस तुझको डालना है अब तू क्या करेगा फटाफट -फड़ से एक लाइन का फिर से गैप डालेगा है। है, तो इतना अच्छे से कर लिया आप डालोगे सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन क्या होता है कि आप किसी तरीके को किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं किसी को किस तरीके से बोल रहे हो जैसे अपने दोस्त को बोलते हैं बोलते हैं ना और किसी लड़की को लड़के कैसे बोलते हैं अरे एक्सक्यूज uh, मी सुनो है ना और लड़कियां लड़कों को क्या बोलती हैं अबे ओ ठीक है और हम अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं चल चल ले ले यार यार तू यार। वो होता है ना हम किस तरीके से पुकार रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है रिस्पेक्टेड हमें मुझे पता है बच्चों ये कितना मुश्किल है इज्जत करना तुम्हारे लिए मुझे पता है ठीक है बट बच्चों यहाँ पे नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर आप ही का फायदा है आपको क्या डालना है रिस्पेक्टेड सर ठीक है यहाँ पे डियर मैडम है वो नहीं करेंगे अपन डालेंगे रिस्पेक्टेड भाई अपन तो इज्जत देते हैं ठीक है बच्चों अपने को दिखाना है कि हम इज्जतदार हैं भाई हम कौन है हम इज्जतदार हैं अच्छा अब इसमें ना एक कंफ्यूजन आती है कि सैल्यूटेशन पहले आएगा कि सब्जेक्ट को पहले लिख दें इसमें आप जैसे मर्जी लिख दो सीबीएसई नंबर नहीं काटेगा चाहे तो तुम अपना सब्जेक्ट पहले लिख दो सैल्यूटेशन बाद में लिख दो चाहे तो तुम अपना सैल्यूटेशन पहले लिख दो और सब्जेक्ट बाद में लिख दो ठीक है कोई लोड नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है सारे बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट से स्पैम करेंगे क्या करना है रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैन ठीक है एक तो टेंशन फ्री होकर देखो यार अभी से डर लग रहा है डर लग रहा है मत गाओ पागल हो क्या पांच दिन है अपने पे सब उखाड़ लेंगे हम पिछले पिछली बार तो सीनियर्स पे चार दिन थे वो आकर कमेंट कर रहे हैं तुम्हें कि डरो मत सब हो जाएगा ठीक है बस वो वीडियो देख कर आना वीडियो देख लेना जरूर जो कमेंट सेक्शन में पिन हो रखा है ना वो वीडियो जरूर देख लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो वीडियो जिसने नहीं देखा ना मतलब वो बंदा फिर बहुत पीछे रह गया तो वो वीडियो जरूर देख लेना वो देख कर आना क्योंकि उसमें आपके नाइनटी परसेंट ऑफ द डाउट्स के सारा आंसर है हाँ रिस्पेक्टेड सर दे दिया भाई ठीक है भाई डाल दिया आगे बताओ आगे मेरी जान फिर से एक लाइन छोड़ दे ठीक है छोड़ दो जैसे हम अपनी लाइफ से लोगों को छोड़ते जाते हैं ना बिना परवाह किए वैसे लाइन को छोड़ते जाओ, अब लाइन को छोड़ दिया लाइन को छोड़ने के बाद क्या करना है भाई सब्जेक्ट डाल दिया भाई टॉपिक विषय है ना टॉपिक बताइए तो यहां पर आपको चार से अपने पांच वर्ड में वर्ड बेटा वर्ड लाइन नहीं लव लेटर नहीं है ठीक है लव लेटर नहीं है ये ये है सब्जेक्ट तो आपको क्या करना है चार से पांच वर्ड में इसको खत्म करो खत्म करो इसको क्यों पकाना है इतना सब्जेक्ट में है ना वो वाले दोस्त देखे अपन कॉल करते हैं उनको हेलो तो वो बोलते हैं सामने से हेलो हाँ भाई क्या काम है मैं ना थोड़ा बिजी हूँ बस वो ये बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर बाद में बात करता हूँ नहीं नहीं भाई अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो बता अच्छा हाँ यार मैं ना वहाँ गया था फिर वहां मैंने ऐसे करा वो बोल रहा है भाई कुछ इंपॉर्टेंट है तो बता हाँ हाँ भाई वही बता रहा हूँ मैं प्रिया से मिलने गया था वहां प्रिया के साथ एक और लड़का था वो उसका भाई था उसने मुझे पीट दिया अरे भाई कुछ इंपॉर्टेंट है तो बता सब्जेक्ट बता बाद में बताइयो अपना ग्रंथ राइट right? तो यहां पर अपने को पंचायत नहीं करनी यहां पर अपने को सब्जेक्ट बताना है चार से पांच शब्द में बात खत्म ये आपको जनरली क्वेश्चन में दिया होगा दैट्स इट इतना कर लिया इतना कर लोगे मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ा चीज है जो तुम्हें उखाड़ना है इतना तुम कर लोगे ठीक है अब यहां पर देखो अब ना मेन चीज अब थोड़ा सा मजाक से हटकर बात करते हैं जो मेन चीज बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना वो आती है बॉडी में

तुम भी बेचारे छोटे बच्चे ही हो मेरे हाँ भाई बता दू ठीक है बहुत बढ़िया चलिए सो यहाँ पर एक सेकेंड हां तो यहां पर अपने को यार एक चीज का ध्यान खास तौर पे रखना है कौन सी चीज है मैम वो देखिए आपको ये तो पता होगा हिंदी के पेपर देकर आयो कि इंट्रो रख रक, रखोगे इंट्रो आप अपना दो लाइन में दोगे उसके बाद आप अपना जो बीच वाला पैराग्राफ है यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है उसको आप डिस्कस करोगे ठीक है कितनी लाइन में चार से पांच लाइन में कर दो और अपना एंड कर दोगे कंक्लूजन दे दोगे इन तीनों के ही बीच में आप लोग एक-एक लाइन का गैप दोगे अब मैम प्रॉब्लम यहां पर आता है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखें मेन प्रॉब्लम में क्या लिखें और कंक्लूजन में क्या लिखें ठीक है कितना अच्छा हो जाए अगर हमें ये तीनों चीजें पता चल जाए तो यहाँ पर मैं आपको एज इट इज डिटो लिख कर देती हूँ क्या लिखना है बट अभी पहले नीचे का सुन लो फिर मैं बताती हूँ कंप्लीट क्या लिखना है देखो जब आप ये सब लिख दो जो मैं आपको अभी बताऊंगी एक एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आप नीचे लिखेंगे योर फेथफुली इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग यहाँ आपको किसी भी तरीके का कॉमा या अपोस्ट नहीं डालना ठीक है कुछ बच्चे कुछ बच्चे योर्स को इस तरीके से लिखते हैं ऊपर देखो यहां पे ऊपर देखो मतलब ये अपनी छतनी देखनी है बोर्ड पे देखना है ठीक है ये ये ना गलत है ठीक है Yours को इस तरीके से नहीं लिखना, Y O U R S लिखना है बेटा मेरी जान, That's it, That's it, Yours faithfully लिखकर ये इसे बोलते हैं complimentary closing करना, फिर तुम अपना नाम डाल दोगे, अगर तुम्हारा कोई औदा है, कोई पहचान है, आ, you know letter के question के अंदर designation है, तो वो लिख दो, अगर नहीं है तो सानू की नहीं लिखेंगे, इतना समझ में आया? ठीक है? हा� अब मैं आपको बताती हूँ कि इन तीन पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है आप डिट्टो वही लिखाना आपके नंबर आ जाएंगे देखो आप लोग इंट्रोडक्शन इन तीनों में से किसी से भी शुरू कर सकते हो मैंने बहुत बार बताया मैं दोबारा भी बता रही हूँ आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ और जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में दे रखी है ना वो चेप दो तो इंट्रोडक्शन तो हो गया समझ रहे हो वो चेप दो इंट्रोडक्शन तो हो गया और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना कुछ भी नहीं करना हे <coughs> भगवान hey, मेरे गले को बचा के रख पंजाबी के पेपर में कैसे करें अभी बताती हूँ दो मिनट दे दो ये खत्म करने दो मेरे को ठीक है सो यहाँ पर दूसरी लाइन है ये वाली इसमें क्या होता है ना ये वाली हम लोग यूज करते थे थोड़ी पुरानी हो गई है बट ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलते इससे ना थोड़े वर्ड्स ज्यादा लगते हैं तो अगर आपको लेटर लिखना नहीं आता ना तो आप तो आप इसको यूज कर सकते हो इसे आप याद कर लो एज इट इज लिखाओ इसमें ना ऐसा लगता है भाई थोड़े ना भारी वर्ड्स है है ना थोड़े ना मतलब ज्यादा वर्ड्स हो गए तो लंबी लाइन हो गई है सो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज द प्रॉब्लम ऑफ और अपना टॉपिक लिख दो तो इसमें आपकी दो या ढाई लाइन तो आई जाएगी वो आपका इंट्रोडक्शन हो गया एज इट इज एज इट इज लिखना है कोई दिमाग नहीं लगाना पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगी क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ इतना लिखने के बाद अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज मतलब पूरा ये वाला कॉपी कर दोगे यहां से कंसर्न अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम ऑफ दिस तो इन तीनों में से कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए अपने लेटर को इंट्रोडक्टरी शुरुआत देने के लिए समझ में आया इतना तो यस मैम कमेंट करो अब बात आती है सेकंड पैराग्राफ पे ठीक है अब सेकंड पैराग्राफ में ना चाहे वो आपको दुनिया का कोई भी टॉपिक दे दे ठीक है आपको इतना तो पता चल गया होगा वो आपको कोई जनरल टॉपिक ही देंगे जिस पे आपको आता है वो आपको कोई भी बेटा ऐसा टॉपिक नहीं देंगे जिस पे आपको नहीं आता ना क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम बच्चे को यहाँ फंसाना नहीं चाहते हम वो आपको खुद पास करना चाहते हैं तो वो आपको कोई ऐसा टॉपिक देंगे जो आपको आता है जो जनरल है जो सबको पता है ठीक है तो आपको ना कुछ पॉइंटर्स है जो दिमाग में बिठाने हैं ठीक अगर मान लो अगर मान लो आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और मैं आपको कुछ कुछ लिस्ट बता दूं कि बेटा देख वहां जाके सबसे पहले अपना नाम बताइए बता तो अगर आप उन पॉइंटर्स को ध्यान में रख के बोलोगे तो अच्छे से बोल पाओगे ना बिल्कुल वैसे ही मैं आपको एक पॉइंटर लिस्ट दे रही हूँ जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो पीडीएफ को तो दे ही दूंगी बट नोट डाउन करने से आपके दिमाग में बैठेगा सो दैट यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस ठीक है तो सबसे पहले आप लोग ये लिखोगे एज मैं अब सेकेंड पैराग्राफ की शुरुआत में ये इस लाइन से शुरू करोगे नेक्स्ट लाइन से एक लाइन का गैप देकर के भाई सुन मेरी बात एज मैं of, अब दंडीशन ऑफ अब ऑफ के बाद यहां जिस चीज के ऊपर तेरे क्वेश्चन पेपर में बात की गई है उस चीज के ऊपर आपको लिखना है मगज में आया जिस चीज के ऊपर क्वेश्चन पेपर में बात की है मान लो अगर कंडीशन ऑफ रोड्स के ऊपर बात करी है सो so, पर आप बोलोगे की एज मैं कंडीशन ऑफ द रोड इज वर्सनिंग डे बाय डे ठीक है या फिर रिवर्स है सो द कंडीशन ऑफ द रिवर्स इज डेटोरिएटिंग या वर्सनिंग डे बाय डे किसी के भी ऊपर बात की गई आप इस लाइन को चेप सकते हो अब इस लाइन को चेपने के बाद यानी कि आपने अपना जो सेकंड पैराग्राफ है वो शुरू कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको इस तरीके से दिख रहे हैं कि भाई कब से प्रॉब्लम चल रही है ठीक है वेन ये आप मेंशन करोगे दो महीने हो गए दो हफ्ते हो गए तीन महीने हो गए कब से प्रॉब्लम चल रही है आपको उसके बारे में कैसे पता तो आप यहां पर रेजिडेंट वाली लाइन यूज कर सकते हो कि भाई मैं इसी सोसाइटी का रेजिडेंट हूं इसलिए मुझे पता चला प्रेजेंट सिचुएशन क्या है किसी भी प्रॉब्लम का ये आपको लिखना है कि मान लो अगर पॉल्यूशन है तो उससे आज का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है अगर रोड टूटी हुई है तो अभी का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है तो इसमें आपकी जितनी प्रॉब्लम हो आप सारी भर दो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स बता दो कि भाई रोड टूटने की वजह से जानवर गिर रहे हैं बुजुर्ग लोग जो है वो टहल नहीं पा रहे है ना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अब जाम लग जाता है तो साउंड पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते बोर्ड का पीक सीजन चल रहा है कोई भी स्टोरी जो आपके दिमाग में बनती हो उससे रिलेटेड आप लोग अपना स्टोरी बुनते जाओ ठीक है जब आपको लगे आपने इनफ प्रॉब्लम्स बता दिए हैं ये भी बता दिया क्या हुआ है ना कौन-कौन अफेक्ट हुआ ये तीनों ही पॉइंट्स आपके प्रॉब्लम्स में आ गए ठीक है अब आप अपने सजेशन दे दोगे एक या डेडलाइन में कि क्या करा जाना चाहिए कि इट नीड्स टू बी रिपेयर सो वी कैन अवॉइड दीज प्रॉब्लम एंड एक्सीडेंट्स अब आगे जब आप अपना कंक्लूड करोगे तो एज इट इज यही छाप के आ सकते हो बिल्कुल बार बार ही बताया है प्री बोर्ड में भी बहुत बच्चों को इससे हेल्प हुई थी एज इट इज ये छापाना इसको याद कर लो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ लिटिल स्पेस इन यूर स्टीम न्यूज पेपर सो दैट दीज वेस्ट दी तो इतना अपना जो भी नाम है जो भी डेजिग्नेशन है क्लियर हुआ तो यहां पर आपको बिल्कुल भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना बेसिक दिमाग लगाना है ठीक है जो अभी जो जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी राइटिंग के रोजाना आप लोग पढ़ा करोगे चार पांच दिन पढ़ोगे तो जो बीच के पैराग्राफ में लिखना है ना दो चार लाइन वो भी आपको वो एग्जाम्पल पढ़ के दिमाग में बैठ जाएंगे क्योंकि बाकी तो अब हमारे दिमाग में बैठ गया कि हमें क्या लिख कर आना है क्या पढ़ना है यस और नो जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे इन द कॉमेंट सेक्शन बाकी चीजें तो दिमाग में बैठ गई ना कि भाई क्या लिख कर आना है कैसे लिख कर आना है क्या करना है सब बैठ गया दिमाग में हमारे हमें फॉर्मेट भी पता है हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी पता है हमें कॉन्क्लूडिंग वाली लाइन भी पता है हमें यह भी पता है सेकेंड में लिखना क्या क्या है बट कैसे लिखना है एग्जैक्ट क्या लिखना है ये हमें मैम के एग्जाम्पल से पता चल जाएगा अगर हम लोग रोजाना पढ़ेंगे एम आई क्लियर एवरी वन हाँ जी और हर फॉर्मल लेटर का तरीका एक ही है हर फॉर्मल लेटर का तरीका एक ही है एक ही तरीके से आप दुनिया का हर औपचारिक पत्र हो गया या फॉर्मल लेटर हो गया एक ही तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है Again, like as as so, है ठीक अगेन आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक एंड शेयर द क्लास एज मच एज यू कैन चलिए सो आई होप लेटर आपको क्लियर है ठीक है मैं दोबारा बोल रही हूं कि प्लीज आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि मैं जब एग्जाम्पल्स भेजू इस क्लास के बाद भी मैं तीन एग्जाम्पल भेजूंगी उन एग्जाम्पल्स को रीड करना ठीक है और ऐसे नहीं है कि कोई भी एग्जाम्पल भेज दूंगी देख के भेजूंगी जो प्रीवियस ईयर के हैं ठीक है ठीक है आगे बढ़े फटाफट फड़ से हम्म hmm. टाइम मैनेजमेंट पे भी आएंगे बेटा आज ही सारी चीज नहीं कर लेंगे है ना आज ही नहीं पता कर लेंगे टाइम कैसे मैनेज करना ये कैसे कर धीरे धीरे आएंगे कल से आओगे ना क्लास में तब लेना स्ट्रेस अभी के लिए थोड़ा रुक जाओ चलो आगे बढ़ते हैं अब जिन बच्चों का पंजाबी का पेपर है वो बच्चे एक काम कर सकते हैं आप देखो इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करो क्योंकि एक दिन में इंग्लिश नहीं हो पाएगा आप लोग दिमाग से काम लो इंग्लिश की मैरेथन में आओ मैं मैराथन लेने ही ऐसी वाली हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल सेल्फ स्टडी ना करनी पड़े सेल्फ स्टडी जीरो हो जाए और सारी चीजें आपको मिल जाए ठीक है तो बिल्कुल वैसी क्लासेस चलने वाली है तो जब भी आप शाम में फ्री होंगे आपके पास चार पांच घंटे आप उसमें अपना पंजाबी भी तैयार करिए और दिन में, दिन में में आपकी क्लासेस है दिन में आप अपना इंग्लिश को भी साइड बाय साइड तैयार करते रहिए तभी आपको आगे जाके बेनिफिट होगा वरना आप एक दिन में फंस जाओगे चलो तो अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे इजी एग्जाम्पल है इसलिए मैं ये लेकर आती हूँ हर बार क्योंकि इजी एग्जाम्पल से शुरू करोगे तभी डिफिकल्ट कर पाओगे पहले स्टार्टिंग में डिफिकल्ट करा दूंगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम लोग ठीक है चलो लिखा है आप राधा जी हो एन जीओ के में बहुत बार मैंने आपको कराया भी है तो यमुना रिवर जो है वो गंदा हो गया है अब हम लोग कितनी बातें करते हैं रिवर के ऊपर के भाई लोग जो है वो गंद फेंकते हैं कपड़े धोते हैं जानवरों को नहलाते हैं खुद नहा लेते हैं रिवर तो गंदा हो गई ठीक है तो बोला गया है कि भाई एक पब्लिक मूवमेंट चाहिए टू तो क्लीन द यमुना रिवर तो इसके ऊपर हमें अपने को लेटर लिखना है अब सबसे पहले जो ध्यान देने वाली चीज है ना उसमें आपको ध्यान दो फालतू के फोकट के एरियाज में ज्यादा ध्यान मत दो लेटर बहुत ही आसान है इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर ठीक है सबसे पहले देखो तुमने सेंडर एड्रेस लिखा ठीक है हमें सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमारे जो मन में आ गया हमने वो लिख दिया अपना पर्सनल मत लिख कर आना बस जैसे पत्र लिखते हैं ना बिल्कुल वैसे ही लिखना है और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना अपना अब देखो मेरे बच्चे यहाँ पर आप लोग एक लाइन छोड़ोगे ये डेट नहीं लिखनी मतलब ये डी ए टी नहीं लिखना ये आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ है आपको डायरेक्ट अच्छा कुकर की आवाज तुम्हें यहां तक आ रही है बंद करवा दू क्या मुझे बताना ज्यादा आवाज आ रही है क्या मेरे राजमा उबल रहे हैं <laughs> कम करा दू मतलब बंद करा दू अगर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तो जल्दी बताओ हाँ भाई नहीं हो रहा ना फिर क्यों बोल रहा है से चलो सो so पे फटाफट फड़ से लाइन छोड़ोगे अपनी डेट डालोगे 17 फरवरी जो भी आपको डेट डालनी है है ठीक 2024 उसके बाद फिर से एक लाइन लाइन का गैप दिया रिसीवर एड्रेस लि लिखा तीन में जैसे मैंने आपको बताया है सबसे ऊपर द एडिटर उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम उसके बाद नई दिल्ली ठीक है भाई लाइन छोड़ी सैल्यूटेशन दे दिया सर कर दो या रिस्पेक्टेड सर कर दो फिर से लाइन छोड़ी सब्जेक्ट ऐसे लिखना है और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिख दिया कि नीड फॉर पीपल मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर या फॉर दी क्लीन यमुना इस तरीके से अपना जो ऊपर का फॉर्मेट है वो आपको प्रॉपरली करना है ठीक है उसके बाद सबसे ऊपर आपने लिख दिया एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द अब देख लो ये मैंने आपको लाइन दी थी ना यहाँ पर ये वाली लाइन मैंने आपको दी थी ये देखो सबसे ऊपर वाली लाइन चाहे आप इससे शुरू कर लो चाहे आप इससे कर लो चाहे आप इससे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को ठीक है तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि भाई आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द ये तो हम घर से याद कर आए एडिटोरिएटिव कंडीशन ऑफ ये तो हमें क्वेश्चन में दिया रिवर यमुना तो इतना हमें बिना पढ़े घर से याद करने जाने में हमने लिख दिया अब आप जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पे बता दोगे कि भाई रिवर में ये लोग गार्बेज डाल देते हैं है ना जो फुल ऑफ बैक्टीरिया जाता है प्लास्टिक हो जाता है केमिकल्स जल जाते हैं अनफिट हो जाता है पानी कंजम्पशन के लिए जो लोग हैं वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की डिमांड कर रहे हैं और एक लाइन तो आप लोग याद कर लो कि अथॉरिटीज को तो गाली देनी ही देनी है ठीक है अब गाली लिटरली तो हम दे नहीं सकते तो अपने को क्या करना है सारा बोझ अपना अथॉरिटीज पे डाल देना है एक लाइन को दिमाग में बिठा लो कि द अथॉरिटीज हैव नॉट येट टू द रिपीटेड रिक्वेस्ट ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लो ठीक है लेटर के अंत में लिख आना कि भाई हम तो रिक्वेस्ट कर करके थक गए अथॉरिटीज करते ही नहीं है रेस्पॉन्ड, ठीक है जैसे मैं पेट मोजो की बात बताती हूं भाई मैं थक गई जो कि ट्रेनिंग

उस पब्लिक इंटरेस्ट वी ऑल नीड टू गेट टूगेदर इन ऑर्डर टू गेट दी प्लान सेटअप इन द एरिया या फिर आप ये वाला लाइन यूज करोगे तो किसी भी लेटर के लिए यूज कर सकते हो लास्ट में आ जाएगा कुछ लोग यहाँ थैंकिंग यू भी लिखते है तो अगर आपकी टीचर ने बोला थैंकिंग यू आप लिख सकते हो कोई गलती नहीं है ठीक है उसके बाद योर सिंसियरली राधा जी और अपना जो भी आपकी डेजिग्नेशन है मेम्बर आवाज वो लिख दो अगर डेजिग्नेशन नहीं दिया तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्या लेटर हमें क्लियर है अच्छा अभी मैं दोबारा बोल रही हूँ फॉर्मेट दिमाग में बिठा लो इंट्रोडक्शन क्या लिखना है वो लाइंस याद कर लो कॉन्क्लूजन क्या लिखना है वो लाइंस याद कर लो बीच में किस हिसाब से लिखना है वेन प्रॉब्लम्स कॉन्क्लूजन ये याद कर लो अब जब मैं एग्जांपल्स भेजूंगी उन एग्जांपल्स को पढ़ना ठीक है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सोने से पहले ऐसे सो रहे हो ना बेड पे लेटे हो पांच मिनट देख लो मैम ने क्या भेजा है रीड करा रख दिया फोन बस आपको पता भी नहीं चलेगा ये चीज मैजिक की तरह काम करेगी पेपर में मैजिक की तरह ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा भाई ये लिखिए लिखिए लिख ठीक लिख, 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 है तो वो आपका सेकेंड वाला पैराग्राफ उससे शॉर्ट हो जाएगा क्लियर एवरी वान? क्रिस्टल क्लियर ओपी कर दो स्पैम फिर एक बार फटाफट से अगर क्लियर है तो डेट में कॉमा डेट में कॉमा क्यों डालोगे भाई कांड वाला डेट में कॉमा कोई कॉमा नहीं डालना सीधा अपनी डेट लिख देना बात खत्म ठीक है

अगर मैं यहाँ पर 20 एग्जाम्पल भी उठाकर ले ना वो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारे लिए ठीक है तो इसलिए मैंने तुम्हें समझा दी मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रखनी है अब तुम टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्टेड रहो मैं तुम्हें टेलीग्राम पर इतने लेटर दे दूंगी ना कि तुम लोग मतलब बोलोगे अरे यार मैम जब भी वालो आप ठीक है तो एनालिटिकल पैराग्राफ पे चलते हैं अगर यहां तक आप लोग मेरे से अलाइन कर रहे हो यहाँ तक आप बच्चे मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दो एनालिटिकल पैराग्राफ या फिर एपी बहुत बड़ा हो जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना एपी स्पैम कर दो ताकि मुझे पता चल जाए मेरे बच्चों की तरफ से सिग्नल है कि हाँ मैम आगे बढ़ो ठीक है सेंटर एड्रेस की जगह एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक्स जेड एग्जामिनेशन हॉल लिख दो ठीक है

कभी भी टुकड़ों में मत पढ़ना कि पहले इस खाली चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर खाली पोएट्री पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन कर लेंगे इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है आप लोग दिन वाइज बांट दो जैसे मैंने आपके लिए बांटा है में पिन कर रखा है है वीडियो के कल पूरा फर्स्ट फ्लाइट करना ही खत्म बात खत्म कोई पोएट्री नहीं कोई चैप्टर नहीं कोई क्वेश्चन नहीं सारा इकट्ठे करेंगे बात खत्म पांच छह घंटे में सब कर लेंगे बीच में ब्रेक ले लेकर फालतू में अपने को इतना चार दिन तक पूरा फर्स्ट फ्लाइट नहीं लपेटना है ठीक है क्लियर है इतना चलो ऑल राइट right. आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट फड़ से एपी पे तो यार देखो एनालिटिकल पैराग्राफ ना बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है बहुत ही ज्यादा आसान है फिर भी बच्चे उसमें बहुत ज्यादा डरते हैं मैं आज ऐसी ट्रिक बता दूंगी आप डरोगे ही नहीं एक्जैक्ट लिख लिखकर आ जाना पूरे नंबर पक्का मिल जाएंगे पांच में से पांच ठीक है अब करना क्या है मैं बताती हूँ देखो एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब चीटिंग ठीक है पूरा हार्ड है आपको आपको इंट्रोडक्शन करना है इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ एक से दो लाइन में होगा और वो क्या लिख कर आना बताऊंगी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होता है एग्जैक्ट चुराना है और लिख देना है नो दिमाग का यूज ठीक है नेक्स्ट आएगी बॉडी बॉडी में जो भी ग्राफ आपको दिया है जो भी पिक्चर आपको दी है हाना? चाहे वो बार ग्राफ है चाहे वो पाई चार्ट है चाहे वो टेबल ग्राफ दे रखा है कुछ भी आपको दिया है आपको उसे इतने अच्छे से एनालाइज करना है जैसे आप क्लास में आए किसी नए बच्चे या नए टीचर को करते हो ठीक है एक एक चीज उसकी एनालाइज कर लेनी है और वही चीज लिख देनी है अब नंबर किस बात के हैं लैंग्वेज के कि आप किस लैंग्वेज में आप किस वो में लिख कर आ रहे हैं उसके नंबर है ठीक है अब मैं आपको कुछ ऐसी वो कैबलरी दूंगी जिसका सुबह टेलीग्राम पे टेस्ट लूंगी मैं तुम्हारा तुम्हें सुबह तक वो वो कैबलरी को याद करना है ठीक है तो मैं दूंगी कुछ वो कैबलरी वो आपको यहां पे बॉडी में यूज करनी है और लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है ओवर ऑल समरी देकर कैसे करना है मैं अभी बताऊंगी दिक्कत मत लो सबसे पहले आप लोग याद रखो मेरी मेरे मुंह को देखो आज तो मेरा मुंह सुंदर भी लग रहा है ना मेरे मुंह को देखो मैं क्या बोल रही हूँ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आएगा इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा जिसमें हमें बहुत ही कम बहुत ही छोटे शब्दों में हमें यह बताना है कि ग्राफ किसके बारे में है यानी कि जो मेन हेडिंग है ना जो मेन टॉपिक है वो आप अपना सबसे ऊपर लिख दोगे दैट सेट ठीक है जो मेन टॉपिक है जो मेन हेडिंग है उसको आपको मेरी जान सबसे ऊपर लिखना है ज्यादा फालतू में स्ट्रेस नहीं लेना ठीक है नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है मैं बताती हूँ पैराग्राफ जो है ना उसको आप दो से तीन पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो बट इतना बड़ा एनालिटिकल पैराग्राफ अपने को लिखना नहीं है जब अपने को दे ही वो दस नंबर तो की मेहनत करें ठीक है तो यहाँ पर अपने को केवल और केवल सिग्निफिकेंट माने की जो इंपॉर्टेंट डिटेल है ना बस वो ही हम लोग अपने सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे वरना हम नहीं लिखेंगे अब लिखना क्या क्या है इसको ध्यान रखो लिखना क्या क्या इसको ध्यान में रखो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है किसके बारे में है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ मान लो क्लास में दो लड़के आए हैं राम और श्याम ठीक है अब हमने राम और श्याम को सामने खड़ा कर दिया एक तरफ राम है एक तरफ श्याम है ठीक है अब हमने यहाँ पे या फिर मोटू पतलू को कर दिया तो एक तरफ मोटू है एक तरफ पतलू है अब जो मोटू पतलू है मैंने आपको बोला कि आप इन्हें एनालाइज करो और इनके बारे में बताओ तो सबसे पहले आप लोग क्या बोलोगे मोटू पतलू के बारे में सबसे पहले आप वो बोलोगे जो चीज आपको दिख रही होगी कि भाई मोटू थोड़ा मोटू है और पतलू थोड़ा पतलू है पतला है वो, वो है ना वो थे यही बोलोगे ना जो चीज क्लियरली एविडेंट है यानी कि आपने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर दिया कि हम लोग मोटू और पतलू के बारे में बात कर रहे हैं और इनमें जो मेजर डिफरेंस है ना उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं मेजर डिफरेंस क्या है कि भाई मोटू मोटू है और पतलू पतलू है ठीक है तो सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि जो मेजर डिफरेंस है वो हम कर दें उन्हें हम कंपेयर कर दें ठीक है अब हमें क्वांटिटी भी बता देनी है जैसे कि बहुत सारे तरीके हैं इसके के इतने परसेंटेज ऑफ ये है या नाइनटी सिक्स परसेंटेज ऑफ दिस या रेशियो में बता दिया थ्री फोर्थ ऑफ दिस अभी जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा अभी सिर्फ इतना समझ लो अभी के लिए इतना दिमाग में बिठा लो बच्चे कि आपको क्या करना है जो भी मेजर डिफरेंस है ना ग्राफ में वो आपको सबसे पहले लिखना है उसके बाद आपको क्या करना है अब आपको छोटी छोटी चीजों में जाना है ठीक है मान लो अगर मैं बर्थ रेट की बात कर रही हूं तो मैं क्या करूंगी छोटी छोटे डिफरेंस पे जाऊंगी सबसे पहले मैं बता दूंगी कि बर्थ रेट इतना था 2023 में इतने बच्चे पैदा हुए और डेथ रेट इतना था इतने लोग मरे अब मैं अंदर जाऊंगी डिटेल्स में कि जनवरी में कितना था फरवरी में कितना था मार्च में कितना था अप्रैल में कितना था है ना और उसके बाद में फिर इन्हें कंपेयर करूंगी कि जनवरी में इतना था बर्थ रेट और जनवरी में इतना था डेथ रेट ये इससे इतने परसेंटेज ज्यादा था समझ रहे हो मतलब एक की नस में घुस जाना है अपने को टॉपिक समझ में आया क्या करना है बिल्कुल एनालाइज करना है एक एक चीज निचोड़ लेनी है और लिख देनी है दैट्स इट कितने पेज में लिखना है भाई एक ही में एक ही में ज्यादा बड़ा नहीं लिखना एक ही पेज में आएगा बस इससे ज्यादा पेज में आएगा भी नहीं इससे ज्यादा एनर्जी अपने को वेस्ट करनी भी नहीं समझ में आया ठीक है अब आपको क्या करना है आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट भी करना है जैसे जब भी हम किसी में डिफरेंस करते हैं मान लो मैंने बोला कि बर्थ रेट इतना था पर डेथ रेट इतना था तो पर मतलब क्या है कनेक्टर है कंजंक्शन है है ना हमने पर से क्या किया है इन्हें कनेक्ट करा है संयुक्त वाक्य है ना हिंदी में पढ़ा ना तो अपन अपन को क्या करना है यहाँ पे वर्ड्स को कनेक्ट भी करना है ठीक है अब बेसिकली ज्यादा गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है आप लोग इस तरीके से शुरू कर सकते हो प्लीज इन्हें अपनी कॉपी में लिखो और मुझे बोलो मैम डन ठीक है अगर कोई चार्ट दिया है तो आप लोग लिखोगे द चार्ट गिवेन अब डिस्क्राइब्स अगर कोई टेबल दिया है तो आप लोग लिखोगे द टेबल सजेस्ट अगर कोई लाइन ग्राफ दिया है तो आप लोग लिखोगे द लाइन ग्राफ अगर कोई डेटा दिया है तो आप लिखोगे द गिवन प्रोवाइड्स अबाउट अगर कोई पाई चार्ट है तो द पाई चार्ट इलस्ट्रेट तो ये कुछ वोकैबुलरी है स्टार्ट करने की अगर आपको स्टार्ट करना है ना तो आप इस तरीके से इन लाइंस को याद कर लीजिए और ये डिटो करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हो इसके बाद आपको जो भी पेपर में टॉपिक दिया है वो टॉपिक लिखोगे तो आपका पैरा नंबर जो वन है ना वो हो गया इंट्रोडक्शन हो गया आपको अपने से कुछ भी ऐड करने की या अपने से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपने जैसे टेंथ को हिंदी पढ़ाई वैसे इलेवेंथ को भी पढ़ा दो यार वो वह पहले मुझे खुद भी पढ़नी पड़ेगी मैं जरूर पढ़ा देती बट मेरे पास अभी बैंडविड्थ इशू है बहुत ज्यादा बच्चे सॉरी इतना क्लियर आगे हो गया प्लीज बताओ यार मेरे को फिर ही मैं आगे चलूंगी अभी आएंगे ना, लाए, लीव करेंगे, जब पे चलेंगे। अभी तो मैं बोल रही हूँ क्लियर, क्लियर है ना हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो आपको क्या करना है आपको पहले तो ये याद करना है सब याद करना है क्या नहीं नहीं तीन चार वर्ड्स याद करने हैं ये वो कैबले है जो आप लोग यूज कर सकते हो ठीक है अगर आपको इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आते भी होंगे इंग्लिश के ठीक है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होती तो अपने को याद नहीं करना पड़ता बट अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अब हमें पांच नंबर लेने के लिए थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ मारना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर आप किसी ट्रेंड को डिस्क्राइब कर रहे हो बोलते हैं ना अरे यार ये बंदी तो ट्रेंडिंग में आ गई एकदम से उठ गई तो एकदम से उठ गई को क्या बोलते हैं एकदम से उठ गई के लिए हम लोग बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि रैपिडली डबल्ड या फिर स्काई रॉकेटेड या फिर स्ट्राइकिंग या या फिर peaked, या फिर रेट्स रेट्स है है ना soaring मतलब फ्लाई fly, फ्लाइंग ठीक है? तो इस तरीके से इन वर्ड्स को चार से पांच वर्ड को आपको याद करना है जब आप सेकेंड पैराग्राफ में जाएंगे आप लाइन को नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगे ठीक है इसमें एज सच कोई कंपल्शन नहीं है कि आप एक लाइन का गैप दो देखो अगर आपकी फिर से मैं आंसर शीट दिखाना चाहूंगी अगर बाय चांस आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल अंत पे खत्म हो रही है फिर तो आप एक लाइन लाइन का गैप दोगे और नीचे से लिखोगे ठीक है है अगर आपकी जो है, वो बीच में ही खत्म हो गई मान लो यहाँ तो फिर आप नेक्स्ट लाइन से भी लिख सकते हो ठीक है तो इस तरीके से देखो मतलब एक क्लियर डिफ्रेंशियन होना चाहिए एग्जामिनर के लिए कि हाँ भाई बच्चे ने यहाँ पर नेक्स्ट uh, पैराग्राफ जो है वो शुरू करा है या नहीं एक क्लियर कट एग्जामिनर को पता होना चाहिए ठीक है इतना हो जाएगा यस और नो इतना कर लोगे मैं दोबारा बोल रही हूं कल सुबह दस बजे फर्स्ट फ्लाइट की मैराथन है जिसे किसी भी कीमत पे मिस मत करना उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं बाकी मैरेथ की तरह नहीं होगा बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है yes. यस वेरी गुड और यकीन ना हो तो एटलीस्ट दस से ग्यारह बजे तक क्लास को अटेंड करके देखना अगर आपको लगे कि हाँ भाई फायदा है मुझे समझ में आ रहा है मैम हमें ढंग से पढ़ा रही है तो आप आगे अटेंड करना अगर आपको लगे यार नहीं नहीं मैं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा मैं तो किसी और क्लास में जाऊंगा तो फिर आप चले आना ठीक है तो ऐसे आप लोग करके देखना कल दस बजे चलो सो यहां पर ये वर्ड्स को याद करना अब अगर कोई चीज नीचे जा रही है ठीक है तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं ये सारे ठीक है अगर कोई चीज फ्लक्चुएट कर रही है मतलब कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है तो आप वर्ड यूज करोगे फ्लक्चुएट अगर कोई चीज है जो धीरे धीरे उठ रही है तो स्टार्टिंग टू राइज ठीक है या स्टार्टिंग टू फॉल जो गिर रहा है ड्रॉप एकदम से गिर रहा है तो ये जो वर्ड्स है इन्हें यूज करो ठीक है कैसे यूज करने अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगी तो बताऊंगी बट बत प्लीज इन वर्ड्स को आप लोग याद कर लो ये स्लाइड्स में आपको दे दूंगी अगर एक साथ याद नहीं कर सकते तो रोज के तीन तीन वर्ड करके याद कर लो अपने दिमाग में बिठा लो ठीक है अब आगे देखो अगर आपको क्वांटिटीज डिस्क्राइब करनी है अगर आपके चार्ट में क्वांटिटीज आ जाता है क्वेश्चन पेपर में कोई क्वांटिटी आ जाती है बच्चे तो आप क्या करोगे आप बहुत अलग अलग स्टाइल का यूज कर सकते हो ठीक है जैसे हम लोग भी अपना स्टाइल बदलते रहते हैं ना कभी पोनी कर ली कभी जूड़ा बना लिया कभी कुछ कर लिया सो इट्स लाइक अगर हम सेम चीज बार बार करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा ठीक है तो आप लोग क्या करो स्टाइल बदल लो जैसे 48 परसेंट ऑफ वन थर्ड ऑफ नियरली वन फोर्थ ऑफ ऑलमोस्ट तो ये वर्ड यूज करा करो ऑलमोस्ट नियरली मेजॉरिटी एवरेज ट्वाइस एज मच मतलब दुगना ऑलमोस्ट इक्वल है ना द हाईएस्ट द लोएस्ट अप्रोक्सीमेटली ये वर्ड्स को अपने दिमाग में रखो ठीक है समझ में आया अब अगर आपको दो चीजों में कोई कंट्रास्ट दिखाना है दो चीजों में कंट्रास्ट मतलब जैसे संयुक्त वाक्य था आपका कंपाउंड सेंटेंस है ना कि आपको बताना है कि भाई पतलू तो अच्छे नेचर का है बट मोटू खड़ूस है ठीक है तो आपने क्या करा दो सेंटेंसेस के बीच में कनेक्शन बिठा रहे हो कि भाई मोटू तो खड़ूस है पतलू अच्छे नेचर का है मोटू हमें चॉकलेट ना कर नहीं देता है पतलू हमसे सारी चॉकलेट शेयर करता है तो हम क्या कर रहे हैं दो सेंटेंसेस को एक बनाकर जोड़ रहे हैं तो इस केस में अपने को क्या करना है ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं सिमिलरली इन कंट्रास्ट मतलब अगर कोई अपोजिट चीज दिखा रहे हो तब इन कंपेरिजन टू बट इन द अपोजिट केस हाउ एवर एज अपोज टू तो ये सब आपको याद करना है जब भी आप कंक्लूड करो तो आप कैसे यूज यूज वर्ड्स को करोगे ओवरऑल क्योंकि नंबर इसी के हैं टीचर को भी पता है कि आपने ऊपर वाली चीज को बस वर्ड्स में लिखना है जो भी चीज आपको चार्ट में दी हुई है ना अभी मैं आपको दिखाऊंगी करके वो डिटो चीज आपको वर्ड्स में लिखनी है समझ में आया अरे यार जैसे मैथ्स में नहीं होता कुछ तो होता है टेबल वाला चैप्टर मैथ्स में मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है वर्ड्स में लिखनी है बट वर्ड्स में सजा के लिखना है मतलब कुछ अच्छी वो कैबलरी यूज करनी है जो मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ ठीक है तो आप लोग ओवरऑल सबसे ये सारा यूज करोगे ये सारा याद करोगे तो यहां तक समझने के लिए कुछ नहीं था यहाँ तक था कि केवल आपको इन्हें याद करना है समझने की बारी आएगी अब तो सबसे इजी दुनिया का सबसे इजी एग्जाम्पल मैं आपको अभी करा रही हूँ एनालिटिकल पैराग्राफ का अगर आपको ये हो गया ना फिर आप धीरे धीरे देखोगे आपसे सारे एग्जाम्पल होंगे ठीक है अब सबसे पहले आप लोग इस चीज को समझो मान लो ये चार्ट दे रखा है हमें बोला है कि भाई ये ग्राफ है ऊपर ही बोल दिया उसने की ग्राफ है जिसमें बर्थ और डेथ रेट दिख रहा है तो आप ना इसके क्वेश्चन को इतने डीपली पढ़ो जैसे कि मतलब आपकी दो करोड़ की नौकरी लग गई हो उसका प्रपोजल आया हो इतने डीपली इस क्वेश्चन को पढ़ो ठीक है बोल रहा है कि भाई देख बर्थ और डेथ रेट एक कंट्री में हो रहे हैं ठीक है ईयर दे दिया, इसने हमें भी दे दिया क्या दिया 1901 सारे बच्चे कमेंट करेंगे ईयर ताकि मुझे पता चले भाई तुम्हारा ध्यान है ठीक है एटलीस्ट सात साढ़े सात हजार बच्चे हैं उनमें से पांच हजार बच्चों का तो ध्यान होगा ना तो यहां पर क्या बोल रहा है वो दोबारा से सुनो बोल रहा है भाई मैं तुझे बर्थ रेट और डेथ रेट का एक ग्राफ दे रहा हूं ठीक है तो ग्राफ में बर्थ रेट है डेथ रेट है एक कंट्री के फ्रॉम नाइनटीन ओ वन टू टू वन जीरो वन अब इसके ऊपर अपने को एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है ठीक है तो मान लो क्वेश्चन पेपर में आया आपने पढ़ लिया अब आपने इसको एनालाइज कर लिया थोड़ा सा क्या एनालाइज करा मोटी मोटी चीज बेसिक बेसिक चीज ठीक है ज्यादा डीप में नहीं घुसना अपने को बेसिक बेसिक चीज एनालाइज कर लो कि भाई नाइनटीन वन से शुरू हो रहा है टू वन जीरो वन पे खत्म हो रहा है यहाँ पे टेन ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड में लिखा हुआ है मतलब टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड ये ऊपर वाला मोटा वाला जो है बोल्ड वाला वो बर्थ रेट है ये जो लाइट वाला है वो डेथ रेट है ठीक है दिख गया अब यहां पे सबसे बड़ा गैप जो है वो ये है सबसे कम गैप जो है वो ये है मोटी मोटी चीज एनालाइज एनालाइज कर ली, जितना मैंने बोला सबने करा। अगर कोई बच्चा कुछ और भी एनालाइज करे जो मेरी आंखें ना देख पाए तो मुझे बता दो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ अगर मैं वो एनालाइज नहीं कर रही आप कर पा रहे हो आप मेरे साथ साथ करो खाली बोंदू बन के बैठो मत मेरे साथ साथ एनालाइज करो बताओ मुझे कुछ और दिख रहा है तो अभी के लिए आपको इतना दिख गया ठीक है अभी के लिए आपको इतना दिख गया ठीक है अब हम क्या करेंगे लिखना शुरू करेंगे क्योंकि जब तक हम बोंदू देखते रहेंगे ना तब तक हम लिख नहीं पाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या करना है देखो क्वेश्चन क्या है ग्राफ क्या शो कर रहा है बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन अ कंट्री फ्रॉम 1901 टू 2001 टू जीरो पूरा चेप दो तो लिख दो ऊपर द ग्राफ बर्थ एंड डेथ रेट स्टार्टिंग है। अब आपको आगे कुछ भी पकड़ लो इन दोनों में से किसी को एक को पकड़ लो और पहले आप उसको एक्सप्लेन करो ठीक है अब मान लो हम पहले बर्थ रेट को पकड़ लेते हैं ठीक है किसको पकड़ लिया बर्थ रेट को अब भाई पकड़ेंगे तो स्टार्टिंग ही ना बीच से तो पकड़ेंगे नहीं किसी को स्टार्टिंग से ही पकड़ेंगे ना कोई भी चैप्टर करेंगे स्टार्टिंग से करेंगे तो यहां पर हमने क्या बोला यहां पर आप लोग बताओ आपको क्या दिख रहा है अगर मैं कि आप देखो देखो और बर्थ रेट देखो, आपको क्या दिखेगा आपको दिखेगा कि मैम बताने की कोशिश कर रही है कि नाइनटीन ओ वन में जो बर्थ रेट था वो मेरा ट्वेंटी थाउजेंड था यही बता रही हूं ना यही बता रही हूं राइट तो आप क्या करोगे आप तुरंत जाओगे लिखते हुए आपने सबसे पहले लिख दिया सिंस 1901 द बर्थ रेट हैज रिमेन मोर देन द डेथ रेट अंटिल 2041 ये सबसे बड़ा आया फिर बर्थ रेट वाज 20000 इन 1901 आपने अपनी लाइन लिख दी कि बर्थ रेट क्या है भाई 20000 है 1901 में वो लिखने से पहले जो एक चीज हमें यहां पर लिखनी है जो हमने पहले ही नोटिस कर ली कि सबसे मेजर डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा डिफरेंस हमें ये दिख रहा है कि इस साल तक ये वाला जो हमारा साल है ना ये यहां इस पॉइंट तक 2041 तक बर्थ रेट हमेशा डेथ रेट से ज्यादा रहा है ये चीज दिख रही है ना आपको यस और नो कर रहे हो ना मेरे साथ साथ इज इट क्लियर इट्स वेरी इजी इट्स नॉट इट ऑल डिफिकल्ट ओके इट्स ऑल गोना मेक सेंस इफ यू विल कंसंट्रेट इट्स ऑल गोना मेक सेंस ठीक है सो यहां पर आपने क्या करा 2041 में आपने बता दिया मेजर डिफरेंस क्या दिख रहा है कि बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा रहा है 2041 तक तो हमने बोल दिया कि सिंस 1901 1901 से लेकर अब ये तो इंग्लिश में टेंसिस से पता ही होगा ना कि सिंस लगता है आगे है ना साल के साथ तो सिंस 1901 बर्थ रेट हैज रिमेन मोर देन दी डेथ रेट अंटिल 2041 लिख दिया दूसरी चीज फिर हमने क्या करी बर्थ रेट को पकड़ा और हमने बोल दिया कि भाई ट्वेंटी थाउजेंड था वन में अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां से ना यहां से हमने इसको हम शुरू हो गए अब आपको इसको पकड़ के रखना है कि ये धीरे 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 बढ़ रहा है आपको कोई मेजर चेंज दिख रहा है कि मैम धीरे धीरे तो बढ़ रहा है पर बिल्कुल ऊपर कब गया ये कब गया बिल्कुल ऊपर कौन से साल में सारे बच्चे स्पैम करेंगे कमेंट सेक्शन में कौन से साल में ये बिल्कुल ऊपर गया है जल्दी बता दो मेरे को फटाफट फड़ से कौन से साल में बिल्कुल ऊपर गया है देखो और जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओगे जल्दी बताओ

कि भाई पीक पे गया 1961 में अब कितना पीक गया इसका अगर इन थाउजेंड्स में बात करें तो 60 से तो ऊपर ही है तो 60 और 70 के बीच में है कहीं तो इसको हम 65 बोल सकते हैं तो थाउजेंड के आसपास पीक गया राइट तो यहां पर अपन ने लिख दिया क्या लिख दिया कि भाई टू अराउंड सिक्सटी थाउजेंड इतना हो गया इतना हो गया अब आपको 1961 तक आपने बात बता दी आपको हर एक बात नहीं कैप्चर करनी कि 1921 में इतना था, 41 में इतना इतना था था 41 नहीं 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 एक चीज को पकड़ो और मेजर मेजर जो बातें हैं ना बेटा उसको कवर करते हुए चलो जो मेजर मेजर डिफरेंस है ना उसको आप लोग कवर करते हुए चलो ठीक है so सो यहां से शुरू हुआ अब इसके धीरे धीरे के लिए हमने ग्रेजुअली वर्ड यूज करा पेपर में भी यूज कर लेना कि ग्रेजुअली ये बड़ा फिर इसके लिए हमने पीक वर्ड यूज करा कि पीक किया। वर्ड बताया था आपको फ्लक्चुएट राइट तो अब ये फ्लक्चुएट हो किसके बीच में रहा है ये भी तो देखो तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये वाली लाइन में ही हो रहा है ना फ्लक्चुएट इसमें और इसमें मेजरली है ना ना तो इससे नीचे जा रहा है बार बार ना ही इससे ऊपर जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि फिफ्टी से 60, के बीच में तो हमने यहाँ पर क्या बोल दिया फ्रॉम नाइनटीन सिक्सटी वन बर्थ रेट कि बहुत बार ठीक है अब आप लोग पेपर में लिखते हो अगेन एंड अगेन आप अगेन एंड अगेन की जगह लिखिए मल्टीपल टाइम तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है ठीक है आप पेपर में आप हर कॉमन बच्चा क्या लिखेगा कि भाई ये अगेन एंड अगेन मैम इंक्रीज हो रहा है इट इज इंक्रीजिंग अगेन एंड अगेन नहीं आप यूज करो मल्टीपल टाइम ठीक है सो आप बोलोगे बर्थ रेट हैज फ्लक्चुएटेड मल्टीपल टाइम बिटवीन टू अब आप आगे क्या करोगे देखो आपने इतना बता दिया यहां तक हमने बता दिया अब हमें सिर्फ इसका ये वाला पार्ट बताना है तो हमने क्या बोला कि भाई या तो आप बोल दो इट इज डिक्लाइनिंग ना या फिर आप बोल दो इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन ठीक है क्या बोल दिया आपने आपने बोला इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फॉर द कमिंग इयर्स रीचिंग फोर्टी टू थाउजेंड बाई टू वन जीरो से आप बिल्कुल लास्ट में आ गए लास्ट में ये कहां पर है यहां इधर कहीं फोर्टी से हल्का सा ऊपर तो फोर्टी टू बोल दो या फोर्टी वन बोल दो ठीक है तो यहां पर हमने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई फोर्टी टू थाउजेंड ये पहुंच जाएगा टू वन जीरो वन तक यहां तक क्या किसी बच्चे को डाउट हुआ मैंने आपको एक-एक लाइन समझाया कि आपको कैसे एनालाइज करते हुए चलना है और कैसे आपको लिखना है ये मेरे प्री बोर्ड में आया था वेरी नाइस nice. बहुत बढ़िया बात है भाई ये तो अगर आया था तो प्री बोर्ड में आपके गाइस इतना क्लियर है तो प्लीज मुझे जल्दी से बता दो लाइव के बाद अनसब्सक्राइब कर दूंगा कर देना यार अब मैं क्या कर सकती हूं उसमें हां नहीं करोगे तो अच्छा लगेगा बट कर दोगे तो मैं उसमें क्या ही कर सकती हूँ बताओ तो मैं चलिए यही तो मैंने कॉन्ट्ररी स्वार्थी दुनिया, स्वार्थी दुनिया। कुछ बताना है ठीक है तो मैंने आपको यहाँ पर वोकैबुलरी दिया है दिया है कि नहीं दिया कि भाई इन कंपेरिजन टू इन कंट्रास्ट विद है ना या फिर आप लिख सकते हो इन द अपोजिट या फिर ऑन दी अदर हैंड तो कुछ भी आप लोग लिख सकते हो जब आपको अपोजिट केस बताना है कि हमने बर्थ रेट बता दिया अब अपने को डेथ रेट बताना है ठीक है तो अपन ने क्या करा यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड यूज करा कि भाई ऑन दी अदर हैंड द डेथ रेट अब डेथ रेट को देखेंगे हम शुरू से जैसे जहां जहां हमने बर्थ रेट को मार्क किया है ना वही वही हमें डेथ रेट के बारे में लिखना है ठीक है तो इससे हमें चीजें आसान हो गई कि जहां जहां हमने बर्थ रेट को मार्क करा है वही वही हमें डेथ रेट के बारे में भी लिखना है सो so अपन ने क्या बोला मेरी जान अपन ने बोला कि भाई रेट तो दस हजार पे ही था। दिख कि जो लाइट वाली है वो तो हमारी टेन थाउजेंड पे सो नाइनटीन so में डेथ रेट हमारा दस हजार पे ही था तो यही अपने को लिखना है सीधी सी बात है कि भाई ऑन अदर हैंड द डेथ रेट टू एट अराउंड टेन इन इनटीन उसके बाद क्या बताओगे आप अरे भाई पीछे आ जा उसके बाद हम देख रहे हैं बहुत ही इक्का 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 बढ़ रहा है है ना? तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं धीरे धीरे बढ़ने के लिए स्टेडली समझ में आया तो हमने यहां पर इस पूरे ड्यूरेशन को दिखाने के लिए क्या बोल दिया कि भाई ये तो बहुत ही स्टेडिली बढ़ रहा है ठीक है एंड हैज इंक्रीज स्टली अब हम क्या बोल रहे हैं 2021 आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट हमने क्या बोला हमने बोला कि भाई 2021 में इसके आसपास ना नहीं एकदम हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है है ना और लेवलिंग ऑफ मतलब एकदम से बढ़ रहा है एकदम से ऊपर जा रहा है कौन से साल में अगेन आप लोग यहां पर लिख सकते हो कि भाई Uh, 2061 से 81 में ये 60,000 के बीच में जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपने क्या बोला कि बिल्कुल अपने पीक पर जा रहा है ये बिल्कुल पीक पर जैसे यहाँ पर पीक था तो यहां पर भी बिल्कुल पीक में कहा जा रहा है 2061 से 2081 इस पीरियड में ये अपने पीक पर है है ना और ये इस लाइन के आसपास है तो ये वाली लाइन कौन सी है सिक्सटी थाउजेंड की तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया कि भाई अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी था बिटवीन टू थाउजेंड सिक्सटी वन अप्रोक्सीमेटली तब लगाना है जब अपने को एग्जैक्ट नहीं पता समझ में आया ऑल राइट right, अब आगे हमने क्या बोला आगे हम लास्ट फिर से हम जब बर्थ रेट पे थे तो लास्ट ईयर पे आ गए थे तो यहां पर भी हम लास्ट में जाएंगे अब आप देख रहे हो हल्का सा ये नीचे आ रहा है तो हम बोल सकते हैं भाई इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन टू वन जीरो वन राइट ये वाली चीज बच्चों हमने यहाँ पर बोलनी है तो अपन अब यहाँ पर आगे जाएंगे और क्या लिखेंगे सेम चीज लिखेंगे द ग्राफ इंडिकेट्स अ स्लाइट डिक्लाइन इन डेथ्स इन द ईयर टू वन जीरो वन तो अलग अलग बच्चा अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वो कैबलरी यूज करके अलग अलग तरीके से लिखकर आ सकता है बट तरीका सेम है आपको एनालाइज कैसे करना है उसका तरीका सेम है दो किसी भी दो चीजों के बीच में आएगा या दो से ज्यादा के बीच में आएगा एनालाइज करने के लिए तो आप हर एक चीज को पकड़ो पहले उसको एक्सप्लेन करो फिर उनके बीच का कंपैरिजन एक्सप्लेन करो ठीक है तो ये भी जब मैं टेलीग्राम पे आपको एग्जांपल भेजूंगी आप लोग रोज के एक दो एक दो पढ़ोगे ना तो आपको एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा कि किस तरीके से लिखना होता है ठीक है बाकी जो कैबलरी दी है वो आप लोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अब आप लास्ट में कंक्लूड करना बहुत जरूरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो चीज आपने शुरू करी है उसको आप लोग कंक्लूड करें ठीक है सो द ग्राफ शोज ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यूरिंग टू अब हमने क्या करा कि भाई 1961 से लेकर 2001 दोनों में कंपैरिजन कर दिया कि ये वाला जो पीरियड है है ना मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देती हूँ ये वाला जो मेरा पीरियड है ना इसमें मुझे गैप दिखा है बर्थ रेट और डेथ रेट में राइट right? तो ये वाली चीज मैंने अपने कॉन्क्लूजन में क्या कर दी मेंशन कर दी समझ में आया अब आगे मैंने क्या करा हाउ एवर दिस गैप इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द लेटर इयर्स ओवरऑल ओवरऑल मतलब आप कॉन्क्लूड कर रहे हो आपके एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि नाउ यू आर कॉन्क्लूडिंग आप एंड कर रहे हो ओवरऑल कर सो ओवरऑल एज अपोज टू द द ट्रेंड डेथ रेट विल बी मोर देन बर्थ रेट इन द लेटर हाफ ये आपने अपना ओपिनियन दे दिया कि भाई जैसा हमें देखने मिल रहा है उसके अपोजिट होगा हमारे अकॉर्डिंग जो डेथ रेट है ना वो ज्यादा होगा बर्थ रेट से ये हमने बोल के एंड कर दिया आप किसी भी तरीके से एंड कर सकते हो ठीक है तो ये मैंने आपको बेसिकली एक तरीका समझाया है इनिशियली स्टार्टिंग में कि कैसे आपको एनालाइज करना है अभी पूरा आ जाएगा करना ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ बट हां परसों तक जब मैं आपसे परसों पूछूंगी तो आपको पूरा आ चुका होगा बिकॉज तब तक मैं आपको इनफ एग्जाम्पल्स भेज चुकी होंगी और आप लोग रीड कर चुके होंगे इज दैट क्लियर एवरी वन ठीक है तो आपको आप देख लो इतना ही बड़ा लिखकर आना है पांच नंबर का है ज्यादा बड़ा नहीं लिख कर आना कि दो पेज लिख रहे हो ढाई पेज लिख रहे हो नहीं एक पेज जैसे कहां गई वो आंसर शीट एक पेज भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूं आपको क्योंकि ये पेज लंबे होते हैं मतलब इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे आंसर शीट रखू ना तो आप देखो ये कितना बड़ा पेज है कितना बड़ा पेज है तो आप अगर लिखना भी शुरू करोगे ना मैं मान के चल रही हूँ आपका यहां तक मतलब एक दो लाइन ऊपर तक तो आपका खत्म हो ही जाएगा एंड मैटर नहीं करता कि आप एक पेज लिख रहे हो या कुछ बच्चों का अगर राइटिंग बड़ी है तो यहां पर यहां तक खत्म हो जाएगा बस इससे ज्यादा खत्म इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है तो आप ये वाली लाइन लिखोगे इंट्रोडक्शन फिर नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है अपना नीचे से क्लियर हो गया सबको अगर ये क्लियर है तो अब हम चल रहे हैं हमारे कुछ रीडिंग पैसेजेस पर वो करते हैं फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगी आप लोग रेस्ट करना आज और कल सुबह दस बजे हम मिलेंगे पूरी फर्स्ट फ्लाइट प्रिपेयर करने बहुत ही गजब तरीके से सारे चैप्टर्स करा दूंगी सारी पोइट्रीज करा दूंगी सारी पोइटिक डिवाइज आपको करा दूंगी सारे क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगी जो आपके सीनियर्स ने भी करे थे और बिल्कुल डिटो वो उठ के आए थे ठीक है तो आपको मैं समरी नहीं दूंगी बार बार बोल रही हूं क्वेश्चन कहां से बनता है हर एक एनसीआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको देने वाली हूं जैसे मैंने आपको प्री बोर्ड में दिया था तो उस तरीके से हमारी मैराथन चलने वाली है शुरू करें आर यू गाइज रेडी ये आपको करना है सॉल्व ये मुझे नहीं करना ये आप देख लो सैंपल पेपर का क्वेश्चन लाई हूं मैं ठीक है ये आपको करना है सॉल्व 2023-24 का और और गजब की बात ये है ये मैं करा चुकी हूँ ये मैं बहुत बार करा चुकी हूँ सॉल्व तो आज आप लोग करोगे सॉल्व तो कोई नया पैसेज ऑल ऑफ अ सडन करने से अच्छा है कि पहले सैम्पल पेपर करें ठीक है क्योंकि नया पैसेज तो हम लोग करते रहेंगे अरे यार एक घंटे में ब्रेक चाहिए तो कल छह घंटे कैसे क्लास झेलोगे तुम तो? बेटा हिंदी की तरह ब्रेक नहीं मिलने वाले यहाँ ठीक है शुरू करें यार मैम रेडी तो स्पैम कर दो यार जितने बच्चे मेरे साथ ही पैसेज करने वाले हैं वो फटाफट -फड़ से स्पैम करेंगे मैम रेडी जितने नहीं करने वाले वो स्पैम करेंगे मैम ठीक है तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने मैम वाले और कितने रेडी वाले हैं दिमाग पे प्रेशर तो नहीं फील हो रहा ना ऑल राइट right. तो मेरे सारे ही बच्चे रेडी हैं अपन अब चालू करते हैं शुरू करते हैं फटाफट फटाफट चलिए तो यार देख लो यहाँ पर आ, क्या बोलते हैं सैंपल पेपर का क्वेश्चन है अब यहाँ पर दस मार्क्स का आपका एक रीडिंग मैसेज है ठीक है अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो रीडिंग पैसेज को यहां से पढ़ना शुरू करते हैं एक बारी कमेंट कर दो मैम मैं, मैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रीडिंग पैसेज को यहां से पढ़ना शुरू करते हैं जल्दी बताइए यहां से नहीं पढ़ना यहां से रीडिंग पैसेज नहीं पढ़ना मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं कि भाई अब तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं रीडिंग पैसेज टफ हो गए हैं अब तो आपको पूरा रीडिंग पैसेज समझना पड़ेगा वरना आप नहीं कर पाओगे आपको रीड करना पड़े ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है बात सारी प्रैक्टिस के ऊपर है बात सारी प्रैक्टिस के ऊपर है हाँ तो जितने बच्चे मी बोल रहे हैं इसे काट दो नहीं करना नहीं करना ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना और पेपर यहाँ से शुरू भी नहीं करना कभी भी पेपर अनसिन पैसेज से शुरू नहीं करना ठीक है उस पर तो खैर मैं बाद में आऊंगी कल आऊंगी उस पर फिलहाल यहाँ से नहीं पढ़ना दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रीडिंग पैसेज में रीडिंग पैसेज को कभी भी घर नहीं लेकर जाना घर नहीं लेकर जाना मतलब पैनिक नहीं करना ये सोचकर मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं है मैं कैसे कर पाऊंगा अरे यार, अपने को घर थोड़ी हम रीडिंग पैसेज बात यहाँ पर है आप कितने स्मार्ट है हाउ स्मार्ट आर यू ठीक है आप कितने अच्छे से पैसेज का एसेंस समझ लेते हैं कि आपको ओवरऑल बात क्या हो रही है वो आपके पल्ले पड़ जाए ये बात है यहाँ इतनी स्मार्टनेस की बात है यहां क्लियर ठीक है हाँ जब से ट्रिक बताया तब से अच्छे से हो रहा है वेरी गुड चलिए सो यहां पर सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे क्वेश्चन पे जाएंगे विच ऑफ द द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑथर दटीट्यूड टूवर्ड स्टडिंग पोएट्री ठीक है कि इनमें से कौन सी आ, ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें ऑथर के एटीट्यूड के बारे में बताती है अबाउट स्टडिंग पोएट्री अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पैसेज किसके बारे में है तो आप क्या लिखोगे और मैं आपसे इतना इंटरेक्ट करके इसलिए पढ़ा रही हूं आपको क्योंकि आप ही को सॉल्व करना है मैं तो 15 में कर दूं रहे, अगर मैं आपसे पूछू की ये पैसेज किसके ऊपर बेस्ड है आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा तो आप लोग मुझे क्या बोलोगे ये पूछ रही हूं मैं हाँ पोएट्री ठीक है पोएट्री बोलोगे अब यहां पे अनसिन पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल जाता है व्हाट आर वी लुकिंग फॉर अगर हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी पूरे पैसेज पे नजर मारेंगे तब भी हमें पता तो रहेगा कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर अगर हम खाली पैसेज पढ़ेंगे तो वो हमें सिर्फ एनजाइटी और पैनिक अटैक देगा क्योंकि उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें नहीं आती होंगी ठीक है तो यहाँ से जनरल जो आपकी ट्रिक है वो तो यही है कि आप लोग की उठाओ अपने पैसेज में जाओ ढूंढो वही कहीं आंसर मिलेगा बट अभी सीबीएसई स्मार्ट हो गया है और सीबीएसई बहुत बार ऐसे पैसेजेस भी दे देता है जहां पर आपकी ट्रिक धरी की धरी रह जाती है और आपको स्मार्ट बनना पड़ता है सो आई एम टेलिंग यू हाउ टू बी स्मार्ट ठीक है तो तो सबसे पहले तो स्मार्ट बनने के लिए एक मिनट देना मेरे को क्योंकि मैं अपने नोट्स खोल लू और एक भी चीज मुझसे मिस ना होने पाए राइट जस्ट वन मोर सेकेंड एंड वी आर गुड टू गो चलिए, so, पर पूछा पूछा गया गया है, है है? ठीक किसका हमारे राइटर का एटीट्यूड पूछा गया है, है सो so, पहला लिखा है पोएट्री टू बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड तो आपके दिमाग में भी इतना कॉमन सेंस है कि किसी भी पैसेज में ना पोएट्री की अगर इंग्लिश का ही पेपर है तो पोइट्री की बुराई नहीं कर सकते पोएट्री को मीनिंगलेस नहीं बोल सकते सो so, आपको ये पता है ठीक है अभी मैं पैसेज भी आपको पढ़वाऊंगी बट मैं आपको बता रही हूँ स्मार्टनेस के आपको ये पता है तो आप इसको पहली काट दो बिलीव दैट दी इमोशनल रोलर स्टडिंग पोइट्री इज नॉट वर्थ फिर से यहाँ पर बुराई करी गई है किस्ट मतलब ये जो उतार चढ़ाव आते हैं हमें पोइट्री पढ़ने में पोम्स को पढ़ने में कभी कोई पोम हमें समझ में आ जाती है और कभी कोई पोम द्रीज की तरह निकलती है जो समझने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो वो बोल रहा है इट इज नॉट वर्थ इट कोई वर्थ इट नहीं है टाइम वेस्ट है तो ऐसा भी नहीं बोल सकते पेपर में तो ये भी गलत हो गया अब लिखा है फील कर रहा है वो कि एवरेज पर्सन अप्रिशिएट नहीं कर सकता पोएट्री को ये तो फिर से उसने कुछ ऐसी बात कर दी जो ये समाज सपोर्ट नहीं करता राइट right? तो ये भी गलत है अब सी है रिकॉग्नाइज द चैलेंजेस ऑफ स्टडिंग पोएट्री बट आल्सो एक्नॉलेजेस द रिवॉर्ड इट ऑफर्स वैसे तो तीन काट दिए तो सी ही करेक्ट आंसर है बट एक बार श्योर होने के लिए हम लोग दोबारा से अपने पैसेज पे जाएंगे और देखेंगे क्या वो हमें पोएट्री पढ़ने के चैलेंज बता रहा है और क्या वो एक्नॉलेज भी कर रहा है कि जब हम पोएट्री को पढ़ लेते हैं तो हमें खुशी होती है तो आप क्या करोगे आपको ये रीड नहीं करना आपको एक नजर मारनी है ठीक है आपको जल्दी से एक नजर मारनी है फटाफट से कि भाई क्या यहां पर यही बात हो रही है अब देखो जल्दी जल्दी से मैं आपको बताती जाती हूँ आप लोग समझते जाना और मैं एक और चीज आपको बता दू की प्लीज जितने बच्चों ने भी क्लास को लाइक नहीं किया है भाई प्लीज फटाफट -फड़ से कर दो सो so, यहाँ पर देखो लिखा है अगर आप हाई स्कूल स्टूडेंट हो यानी कि आप स्कूल में हो तो पोएट्री पढ़ना एक रोलर कॉस्टर है रोलर कॉस्टर एक झूला होता है जो नीचे ऊपर नीचे ऊपर जाता है तो वो बोल रहा है कभी तो पोएट्री आपको समझ में आ जाती है कभी पोएट्री आपको समझ में नहीं आती जिसको ऑटोमेटिकली मतलब है कि हाँ भाई पोएट्री चैलेंजिंग है

बेटा पैसेज नहीं समझ पाते हो तो अभी तो मैं बता रही हूं कैसे करना है ना अब इसकी कोई जादुई छड़ी तो है नहीं ये एक स्किल है जो कि मैं आपके अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ तो ध्यान से सुनो ठीक है अब यहां पर क्या है वो बोल रहा है लेट्स बी रियल हेर कुछ पोम ऐसी होती है, जो बहुत confusing होती है और जितनी बार भी री re रीड कर ले हमें समझ में नहीं आती ठीक है, हो जाते है।, अब का मतलब वैसे तो, है तो समझ आ रहा है ना कि भाई डीमोटिवेटिंग के साथ ही वर्ड है मतलब कोई ही वर्ड है कि हम भाई पोएट्री अगर हमें समझ नहीं आती हम डीमोटिवेट हो जाते हैं जैसे अगर द ट्रीज पोएट्री हमें समझ में नहीं आती हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ भाई अरे मेरे तो नहीं आ रही, right? तो अगर आपको पेपर में इसका मतलब नहीं नहीं भी पता, पता, वैसे मैंने बता दिया, होता है इसका मतलब, मतलब अगर आपको आपको पेपर में नहीं पता, तो थोड़ा ऊपर नीचे पढ़ के आपको मतलब समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना ठीक है वो क्या कर रहे हैं टोंट भी मार रहे, बोल रहे है भाई, अगर रिडली सोल्व करना था ना तो पहले बताते सुडो को खेल लेते हैं। ठीक है यानी कि एक बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है पौंडर मतलब सोचना कि ऑप्सिक्योरिटी है तो मतलब पता ही होगा नॉट क्लियर कि भाई क्या पोएट यही चाहता था कि उसकी बात हमारे तक क्लियर ना हो तो हमें ये तो पता चल गया यहाँ से कि भाई चैलेंजेस की बात तो कर ही रहा है राइट सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया तो ऐसे हमें स्मार्टली खेलना है कि पहले ही आप अपना क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ लो आप पहले कुछ कुछ क्वेश्चन तो इतने स्टूपिड होते हैं ठीक है कि उनके तीन ऑप्शन में तो सारी घटिया बातें ही होती है जो कि पेपर में एग्जामिनर कभी बोल ही नहीं सकता ठीक है तो आप उससे स्मार्टली दिमाग लगा सकते हो कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है समझ में आया भाई सही में बोल बोल के आमतिया बाहर आ गई हैं भाई प्लीज बता दो समझ में आ रहा है कल कितने बजे बेटा दस बजे बहुत बार बोल चुकी हूँ कॉमेंट सेक्शन में ऊपर देखो पिन हो रखा है वीडियो पंद्रह मिनट की है देख लो पूरा शेड्यूल समझ में आ जाएगा टू डू लिस्ट बना लो अपनी कौन सी क्लास कब है क्या होने वाला है क्लासेस में प्लीज देख लो और प्लीज आप ना वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको एक एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट देने वाली हूं अब एक्सक्लूसिवली फॉर माई टेलीग्राम फैमिली वो मैं आपको वहां पर दूंगी और आपके पास वो मिलती रहे ठीक है फिर आप लास्ट के दिन पे ज्वाइन करते हो आपको मिलता नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक पहले नंबर पर है डिस्क्रिप्शन में ठीक है सो यहाँ पर भाई पहला क्वेश्चन हमारा हो गया ठीक है भाई अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है

और आपने मम्मी को वो जो बोतल रखी है ना जिसमें इतना बूंद भर पानी है वो दे दिया अब मम्मी बोल रही है यही पीना होता तो मैं तुझसे मांगती क्या इस तरीके का मम्मी ने बोला तो ये क्या है क्या ये मम्मी प्यार जता रही है टोंट मार रही है क्या कर रही है मम्मी जल्दी बताओ बेटा क्या कर रही है मम्मी थोड़ा समझने की कोशिश करो और बताओ मम्मी क्या कर रही है सरकेस्टिक टोंट मार रही है मम्मी कि भाई अगर मैं ही कर लेती अगर मुझे ही इतना करना होता है ना तो मैं ही कर लेती सो so, यहाँ पर टोन क्या है यहाँ पर टोन है सरकेस्टिक क्योंकि वो भी बोल रहा है कि आप पोइट्री लिख रहे हो या रिडल सॉल्व कर रहे हो अगर रिडल ही सॉल्व करना होता तो हम लोग यहाँ पे पोइट्री क्यों पढ़ते हम लोग जाके सुडो ना खेल लेते ठीक है तो वो भी एक तरीके से टोंट मार रहा है सरकेस्टिक हो रहा है अपनी टोन के साथ टोन क्या होता है बेसिकली टोन होता है आप किस टोन में बात कर रहे हैं जैसे अभी मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ है ना अगर वही मेरे दोस्त होते तो मैं बोलती चल निकल तो मैं उससे कैसे बात कर रही हूँ बदतमीजी से बात कर रही हूँ ठीक है ऐसी अगर मैं किसी को टोंट मार रही हूं कि हाँ हाँ भाई बड़े लोग अब तो कहां ही मिलेंगे सर कैस्टिक हो रही हूँ ठीक है ये मैं आपको कुछ बेवकूफ भरे एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो हमारे दिमाग में ज्यादा जल्दी जाते हैं क्लियर ठीक है हाँ तो यहां पर मैं पहले बता दूं कि ये कोई जादू मंत्र नहीं है आप लोग इसीलिए आपको लगता है टफ बिकॉज़ आप लोग करते नहीं हो प्रैक्टिस और फिर बड़े बड़े वर्ड्स देखते हो तो घबरा जाते हो आपको नंबर वन अपने अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जैसे कि हिंदी के पेपर में बोला था कि मैं ही राजा हूं इस दुनिया का ठीक है या मैं ही रानी हूँ ये दुनिया मैंने ही बनाई है इतना कॉन्फिडेंस लेकर तुम्हें ये सॉल्व करना है कि अरे जब दुनिया मेरी है तो ये एक तो बच्चों का खेल है ठीक है इस तरीके से पॉजिटिव होके सॉल्व करना है तब आप देख पाओगे वरना कुछ नहीं कर पाओगे पहली अगर नेगेटिव हो जाओगे तो ठीक है अभी यहाँ पर हमने सबसे पहले हमें क्या करना है पैसेज को नहीं पढ़ना ट्रिक नंबर टू हमें सीधा क्वेश्चन पे आना है क्वेश्चन में भी हमें ऑप्शंस पहले पढ़ लेने हैं कुछ कुछ ऐसे स्टूपिड ऑप्शन होंगे जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा होगा उन्हें पहली काट दो ठीक है और उसके बाद थोड़ा बहुत अपना ऊपर ऊपर से पैसेज को अपना पढ़ो जितना जरूरत है आपको ओवरऑल समझने के लिए लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझने की जरूरत नहीं है अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा यहां पे ने इमेजरी अब इमेजरी तो हमें पता है ना क्या होता है मैंने हर पोम में बताया कल भी बताऊंगी कि कुछ ऐसा करना जिससे हमारे आंखों के आगे एक दृश्य क्रिएट हो जाए हमारे आंखों के आगे एक इमेज क्रिएट हो जाए राइट तो ऑथर ने बोला है कि पैराग्राफ थ्री में ना इमेजरी का यूज किया है जैसे कि कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राई जंप अप एंड डाउन विद जॉय ये रीडर को अफेक्ट क्यों करता है ये आपको बताना है तो भाई बता देते हैं अभी रुको फटाफट से पहले हम जाके खुद तो पढ़ ले तो जब उसने स्पेसिफिकली बेटा मेंशन कर दिया कि तुम पैराग्राफ थ्री में जाओ तो तुम तुम्हें वहां जाना है और, और कुछ नहीं करना तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है मेरे साथ साथ पढ़ना प्लीज मेरे साथ साथ पढ़ना जल्दी जल्दी पढ़ना कुछ पोम्स हैं जो इमोशनल होती हैं बहुत ज्यादा जो कि रीडर यानी कि हम लोगों को क्या कर देती है बॉल एंड क्राई अब इसका क्या मतलब है कि हम लोग रोने लगते हैं ये नहीं है कि बॉल बन के रोने लगते हैं ये का इस तरीके से किया भाई वो हमारे पे एक प्रभाव एक इम्पैक्ट डालना चाहता है ठीक है अब यहाँ पे वर्ड इमोशनल है तो आप डाल दो भाई इमोशनल इम्पैक्ट डालना चाहता है इसीलिए उसने इतना बड़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करके वर्ड्स का इस्तेमाल करा है क्योंकि वो हमारे ऊपर एक इमोशनल इंपैक्ट डालना चाह रहा है समझ में आ गया ठीक है? है? कुछ -कुछ तो है कुछ कुछ से हम नहीं करते ना भाई। मतलब ये तो एक बोलने का तरीका है ना तो वो बोल रहा है कुछ कविता है ऐसी है भाई हम बहुत खुश हो जाते हैं हमें समझ में आ जाती है हमें अच्छी लगती है कुछ कविता ऐसे जो समझ नहीं आती है कुछ कविता ऐसे हैं जो बहुत इमोशनल है हम रो देते हैं तो यहां पर वो इन वर्ड्स का जंप विद जॉय ये क्या है ये एक इंपैक्ट डालने की कला है बस ये अपने को यहां पर लिखना है तुरंत आकर कि भाई उसने ऐसा यूज क्यों करा है आप यहां पर लिख सकते हो बिल्कुल क्लियर कट भावनाओं में ठीक है कि इट क्रिएट्स यहां पर लिख दो ऐसे इट क्रिएट्स मतलब आप तो वहां पर लिख कर आना अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई एक मिनट आप लोग अपने एग्जामिनेशन हॉल में लिख कर आना मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख रही हूँ ठीक है इट क्रिएट्स अ पावरफुल इमोशनल इंपैक्ट ठीक है ऑन रीडर तो इट क्रिएट्स अ पावरफुल इमोशनल इंपैक्ट ऑन रीडर्स और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है बस या तो दोनों में से एक लिख दो काफी है

सबसे पहले अगर आपको वर्ड्स का मतलब भी नहीं पता तो आप अपना दिमाग लगाओ कि इमोशन और फीलिंग तो सेम होता है मतलब ये तो तो हमारा आंसर नहीं है राइट? तो है राइट इजी वर्ड्स पता ना अब आप देखो अप्रिशिएट करना करना ये भी एक तरीके से सेम ही होता है ठीक है भाई ये भी नहीं है और दो सेट हमें पता लगाने है, मतलब इनमें से हमें एक और को हटाना है है ना एक और इसमें से हटेगा अब इंटरप्रेट करना और डेसीफर डेसीफर कहीं तो सुना होगा के डेसिफर करना मतलब निकालना इंटरप्रेट करना भी सेम है ठीक है अब यहाँ पर देखो सिंपल और चैलेंजिंग अपोजिट है कि एक तरफ सिंपल है एक तरफ चैलेंजिंग है और दूसरा इंट्रीग मतलब बहुत ही ज्यादा यू नो you know, प्रभावित हो जाना किसी चीज से और ऑफ पुटिंग मतलब एकदम मूड खराब सो so, यहाँ पर ए और डी हमारा आंसर हो गया तो so, बेसिकली अब थोड़े से दिमाग से थोड़ा सा री रीडिंग करके ना आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो नेक्स्ट पे आ जाओ अब यहाँ पे लिखा है, की बात कर रहा है ना बेटा जी वहां हम लोग जाएंगे ठीक है और वहां से हम लोग आंसर uh, निकाल के लाएंगे तो ये क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन को समझ लो न्यूट्रल अच्छा आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ न्यूट्रल टोन क्या होता है देखते हैं किसको पता है न्यूट्रल टोन क्या होता है न्यूट्रल टोन लेट्स सी कौन है मेरा भावुक बच्चा जिसको पूरा आंसर आता है जल्दी बताओ बेटा फास्ट क्यों जाना है आपको है इससे क्या कराऊ मैं बताओ समझाऊं कि नहीं समझाऊं फास्ट फास्ट बोल बोल के समझाऊं नहीं टिपिकल यूट्यूब टीचर की तरह पढ़ा दूं फिर हैं? हद करते हो यार तुम भी बिल्कुल ही समझते नहीं हो बात को चल पड़ते हो रात को बताओ हाँ तो मतलब एक ना तो भाई तू इस तरफ है ना भाई तू उस तरफ है है ना मान लो चिंकी मिंकी की लड़ाई हो गई और तुम हो पिंकी तो चिंकी मिंकी के बीच में पिंकी फंस गई अब भाई चिंकी बोल रही है तू बता किसकी गलती है पिंकी बोल रही है पता नहीं दोनों ही सही है दोनों ही गलत है जो बीच में बैठा रहता है ना इधर का ना उधर का तो वो बोल रहा है बहुत ही न्यूट्रल टोन है ना वो बुराई कर रहा है ठीक है और वो या तो वो बुराई भी कर रहा है या वो अप्रीशिएट भी कर रहा है तो न्यूट्रल हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है वो ये अपन देखेंगे ठीक है भाई सबसे पहले जाओ वियर्ड पोम अब यहाँ से आपको क्या करना है कीवर्ड उठाना है ऐसे क्वेश्चन में पूरा पैसेज पढ़ने की लोड नहीं है पूरा पैसेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है आप यहां से की वर्ड टेक्निक उठाओ अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टेक्निक लगती है वो टाइम चला गया जब सीबीएसई हर एक क्वेश्चन में सेम टेक्निक लगाने देता था ठीक है तो यहां पर आप जाओ देखो वियर्ड पोम कहां लिखा है जल्दी बताओ मेरे को सीधा यहीं लिखा है क्योंकि हमने ये अभी अभी पढ़ा था हमें दिख गया तो वो बोल रहा है कि वियर्ड पोम्स को मत भूलो ये किसी भी कैटेगराइजेशन में नहीं आती और ये रीडर को ना मतलब ऐसे छोड़ देती है कि वो अपना मीनिंग खुद ढूंढे है ना कि जैसे भाई कुछ कविताएं ऐसी होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि जो उसका कवि है उसने क्या बोलना चाहे कुछ कवि ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई जो तुझे समझ में आए तो वो समझ ले तो वो ऐसे बोल रहा है कि कुछ वियर्ड सी भी पोम्स होती हैं ठीक है अब वो आगे क्या बोल रहा है फिगरेटिव लैंग्वेज अब मान लो किसी बच्चे को मतलब नहीं पता कौन सी भाषा होती है मैम ने तो बताया नहीं फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है बट मैम ने चीख चीख के फिगर ऑफ स्पीच बोला तो ना इसे जोड़ा करो दिमाग चलाया करो कि अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है उसी को दूसरा बोला गया फिगरेटिव लैंग्वेज यानी कि एक ऐसी भाषा जिसमें बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच घुसा दिए हो ठीक है तो वो बोल रहा है बहुत सारों में फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है अलग अलग टाइप की इमेजरी दे देते हैं जिससे बिविल्डरमेंट मतलब क्या है एमांडा वाले एमसीक्यू में कराया था कि नहीं तभी बोलती हूँ मेरी हर एक क्वेश्चन हर एक क्लास में आया करो तो बिविल्डरमेंट मतलब पजल कन्फ्यूज कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है ये यहां पर बात को लिख रखा है इतना समझ में आया तो मुझे जल्दी बताओ प्लीज एक सेकेंड हाँ। इतना समझ में आया डाउनराइट मतलब होता है अनप्लेजेंट मैं वही बोल रही हूँ ना अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता वैसे तो इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता आप खाली ये देखो कि वियर्ड पोम की बात हो रही है बस आपको हर एक वर्ड का मतलब समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है हर एक वर्ड का मतलब समझ के बेटा किसी का ना तो फायदा हुआ है ना आगे होगा हाँ तो अब देखो यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई या तो ये बहुत ज्यादा इंट्रीग होती है या ये बहुत ज्यादा क्या होती है ऑफ पुटिंग होती है रिगार्डलेस अब यहाँ पर इसने पहले तो बुराई कर दी अब वो क्या बोल रहा है रिगार्डलेस रीडर जो है वो अप्रिशिएट कर सकता है यूनिकनेस कि अगर वियर्ड भी पोम है तो वो कितनी है, वो रीडर कर सकता है तो अब आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर आपने सीधा सीधा देख लिया कि इसने क्या करा है यहाँ पर है ना आपको पता चल गया कि भाई ये तो दोनों तरफ खेल रहा है ये तो उन लोगों में से है जो दोनों तरफ खेल रहा है अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो लिखा है कि हम बोल सकते हैं कि ऑथर की जो टोन है वो न्यूट्रल है इन्होंने पहली कंक्लूजन दे दिया जैसे आप अपने दोस्त पे गए भाई वो तो दोनों तरफ खेल रहा है आपके दोस्त ने बोला हाँ भाई वो न्यूट्रल है यहां पर क्या हुआ आपका दोस्त पहली बोल रहा है भाई वो न्यूट्रल है आपको बताना है क्यों है तो आप बोलोगे क्योंकि भाई वो दोनों जगह खेल रहा है समझ में आया तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि ऑथर एक नॉलेज यहाँ पर आप पूरा पूरा लिखोगे द ऑथर एक नॉलेज में लिख भी देती हूं द ऑथर एक नॉलेज ठीक है क्या एक नॉलेज कर रहा है ऑथर अब आप पीछे जाओगे और अपने यहां से क्वेश्चन में से ही उठा लोगे आप लोग अपना आंसर क्या एक कर रहा है कि भाई यहां पर ये यह जो पोम्स होती हैं वियर्ड पोम्स ये या तो इंट्रीक भी होती है या होती है। ठीक है? और उसके बाद वो ये भी बोल रहा है आप लोग लिख सकते हो कि बट ऑल्सो तो यहाँ पे बट ऑल्सो लगा सकते हो फिर सेम बट ऑल्सो द यूनिकनेस ऑफ दी वर्क तो इस तरीके से ये दोनों जगह खेल रहा है रीजन ऑथर जो है वो न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव हो रहा है समझ में आएगा इस तो सारा गेम है क्वेश्चन को समझने का अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आपके मुंह के सामने आंसर मिल जाएगा क्लियर एक बार ये मैम बोल दो यार प्लीज क्लियर है तो ठीक है हाँ इंट्री मतलब अभी तो बताया था इंटरेस्टिंग या तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है यह बहुत ही ज्यादा ऑफ पुटिंग है तो यहाँ पर अपने को पता चल गया कि ये क्या कर रहा है हमारे साथ चलो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज एग्जामिन करो कि हाउ स्टडिंग पोएट्री कैन बी एक्सप्लोरिंग लाइक अ न्यू सिटी ठीक है आपको क्या करना है एक सेकेंड देना मेरे को, को लग रहा है ये ना मैंने कहीं लिखा भी हुआ है मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर लिखा है मैं ना आपको दिखा भी देती हूँ ठीक है ताकि आपको हेल्प भी मिल जाए जस्ट गिव मी वन सेकेंड यस yes. तो ये देखो ये मैंने आपके लिए ना आंसर्स ऑलरेडी लिख भी रखे हैं जैसे मैंने आपको इसका आंसर बताया अभी आ, इमेजरी वाला तो आप इस तरीके से लिख सकते हो जो मैं हाथ से लिख रही थी है ना या फिर अभी आ, जो मैंने आपको आंसर बताने बताया मैंने ऑफ पुटिंग वाला वो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि भाई दी ऑथर एक दैट दट वीयर पोम्स कैन बी ऑफ पुटिंग बट ऑल्सो अप्रिशिएट देयर यूनिकनेस एंड द चैलेंज ये इंग्लिश भी आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है ये इंग्लिश भी आपके पैसेज में लिखी हुई है एज इट इज टेप देरी है अब यहाँ पर लिखा है चालीस वर्ड में बताओ पोएट्री पढ़ना न्यू सिटी जैसा कैसे है इसमें आपको दिमाग लगाना है अब पोइट्री की तारीफ भी कर रहा है और एक तरीके से सकते हैं अब यहाँ पे हर बंदे का एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है अलग दिमाग वो लगा सकता है राइट बट यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई जैसे हम एक नई सिटी में जाते हैं तो ओपन माइंड से जाना चाहिए अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कुछ आपके दोस्त होंगे मान लो आप अपने दोस्त को जबरदस्ती ले गए अपने साथ जयपुर है भाई चलना चलना भाई भाई मजे करेंगे भाई चलना वो चल रहा है अपना बुरा सा बैग लेकर या यार यार पर तो यार, लाइट भी नहीं यार यहाँ तो मच्छर काट रहे हैं यार यहाँ तो यार पानी भी ऐसा खा रहा आ रहा है यार यहाँ तो होटल के बेड पे नींद भी नहीं यार वो कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहा है ठीक है कॉन्स्टेंटली गलत बोल रहा है तो वो कैसे एक्सप्लोर करेगा नई सिटी को बताओ वो हर बात पे रो रहा है यार मेरी पैंट यहाँ आते ही छोटी हो गई है यार मेरे पे अच्छी शर्ट नहीं है यार मैं नहीं जा रहा यार घूमने यार मैं नहीं कर रहा ये मैं नहीं कर रहा तो वो कैसे एक्सप्लोर करेगा आप जब किसी भी नए शहर में जाओ तो आपको ओपन माइंड से जाना है यही होता है ना कि भाई कुछ भी चैलेंजेस आ सकते हैं कुछ भी हो सकता है वहां पे आपके खाना पसंद का नहीं हो सकता या कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है ओपन माइंड के साथ आपको जाना चाहिए एक विलिंगनेस होनी चाहिए अंदर से मन होना चाहिए जैसे पढ़ाई के लिए भी एक विलिंगनेस जरूरी है अगर कोई बच्चा बोल रहा है अरे मुझसे नहीं हो रहा अरे मैं नहीं कर रहा अब भाई पूरा टाइम अगर तू फोन के आगे आंख बंद करके बोलेगा मुझसे नहीं हो रहा तो कैसे करा दूंगी एक विलिंगनेस होना चाहिए कि मैम कैसे कर रही है अच्छा मैम ने ऐसे करा अब मैम एग्जाम्पल भेजेगी तो मैं भी करके देखूंगा फिर मैं देखूंगा फिर मैं बताऊँ ओपन माइंड होना चाहिए राइट right? तो वही आप लिख सकते हो कि जैसे एक नई सिटी एक्सप्लोर करने के लिए ओपन माइंड चाहिए कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है बिल्कुल वैसे ही पोएट्री पढ़ने के लिए भी हमें एक ओपन माइंड चाहिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमें तो आसान डस्ट ऑफ स्नो की तरह हर पोम मिल जाएगी नहीं भाई हर पोम अपने आप में यूनिक है तो एक विलिंगनेस होनी चाहिए चैलेंजेस को फेस करने के लिए तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो समझ में आया सभी को एम आई क्लियर गाइज चलो ये लास्ट है हमारा इसको देखो अरे यार क्लास को एंड ही कर रही हूं मैं, एंड ही कर रही हूँ बस ठीक है एंड ही कर रही हूं कल पढ़ाऊंगी ये लास्ट है आपको एक पैसेज दूंगी सॉल्व करने के लिए और हो पाएगा तो रोजाना एक पैसेज हर क्लास के एंड में या शुरू में भी कराऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ठीक है तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज की क्लास में छोटी लूंगी ताकि आप रेस्ट करो तो मैं छोटी ही लूंगी लास्ट के क्वेश्चन से कर लो ब्रेक ब्रेक मत बोलो उसके बाद कल सुबह दस बजे पूरी फर्स्ट फ्लाइट कराऊंगी वो क्लास छोटी नहीं होगी उसमें ब्रेक भी जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरी फर्स्ट फ्लाइट मतलब अठारह चैप्टर्स तो मुझे फटाफट भैं भय भैं भय 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 नहीं करना एक एक चीज को समझाना है खुद का माइंड भी फ्रेश रखना है आपका भी ठीक है चलिए सो so, पर अब ध्यान दो मोला है क्या मैसेज कन्वे हुआ है हीना के एक्सपीरियंस से ठीक है अब यहाँ पर आपका फिर से स्किल की रिक्वायरमेंट है दिमाग लगाओ यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश हो रही है क्या बात हो रही है बोल रहा है यहाँ पर हीना स्पेंड्स हीना क्या करती है स्पेंड कर रही है क्या स्पेंड कर रही है हीना घंटे ट्राइंग टू एनालाइज अ पोम तो वो एक पोम को मान लो आप हो द ट्री पोम को समझने की कोशिश कर रहे हो घंटों से आपकी असाइनमेंट है उसकी टीचर ने उसे बोला है एंड फाइनली उसे एक सेंस ऑफ प्राइड और अकम्पलिशमेंट फील होता है यानी कि उसे अच्छा फील होता है गर्व फील होता है ऐसा लगता है मैंने कुछ उखाड़ लिया है कुछ अचीव कर लिया है जब उसको वो पोम समझ में आ जाती है ये सेंटेंस सबको समझ में आया कि हीना एक लड़की है उसे होमवर्क मिला है ठीक है उसे होमवर्क क्या मिला है कि भाई तेरे को एक कविता को पढ़ के आना है ये उसको होमवर्क मिला है समझ में आया बच्चे अब वो क्या कर रही है बहुत देर से कोशिश कर रही है कविता को समझने की बार 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 अब फाइनली समझने के बाद क्या हो गया उसको अरे ये मैंने तो कर लिया वैसे वाली उसको फीलिंग आ रही है ठीक है अब अपने को क्या करना है यहाँ पे चार लाइन लिखी है तीन फालतू की है एक काम की है काम की लाइन ढूंढनी है लिखा है ओनली दोज विध नेचुरल टैलेंट फॉर पोएट्री शुड एंगेज क्या बोला जा रहा है इनडायरेक्टली हमारी बेजती कर रहे हैं कि भाई जिस जिसमें नेचुरल टैलेंट है वही एंगेज हो ऐसी बात तो हो नहीं सकती पेपर में तो तमीजदार बातें होती है इसे काट दो स्टडिंग ऑफ पोएट्रीज गारंटीड टू इंप्रेस अदर्स ऐसा तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं है है ना कि अगर इंप्रेस करना है तभी पढ़ना है कुछ लोग जेन्युइनली भी पढ़ ही लेते हैं राइट right? कुछ लोगों की लाइफ में जेन्युइन चीजें भी मैटर करती हैं तो यहां पर यह भी गलत हो गया द एफर्ट्स एफ स्टडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवॉर्ड गेंट ऐसा भी नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा जब आपने देख लिया ना वर्ड आ गया रिवॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड था यहां पे आ गया, कि जब भी आप पोएट्री पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा आपने, आपने कुछ हासिल करा है सो so, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर इज इट क्लियर एक बार यस मैम बोल दो यार प्लीज क्योंकि यार देखो ये वाली चीजें जो होती है ना अब इसमें मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि हर बच्चे का समझने का लेवल अलग है इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूं चैप्टर में क्या है चैप्टर में तो जो मैं समझा रही हूँ मुझे पता है बच्चा कितना समझ पा रहा है बट इसमें क्या है हर बच्चे की स्किल अलग है कैच करने की कि मैम क्या बता रही है मैम कौन सी ट्रिक बता रही है राइट right? तो इसमें वो अलंकार की तरह नहीं है बेटा इसमें ये नहीं है कि मैं आपको बोल दूं ये ये वर्ड जहां दिखेगा उसका आंसर ये है ऐसा नहीं है यहाँ पे ठीक है वैसे तो अब आपको पता है कि परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है परसिस्टेंस होता है अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट भी लग रही है तब भी आप कर रहे हो और मैं तभी बता रही हूँ तभी आपको क्या मिलते हैं रिवॉर्ड मिलते हैं मान लो आज आपको अनसिन पैसेज डिफिकल्ट लग रहा है पर आपने पूरी क्लास अटेंड करी आपने हिम्मत नहीं हारी अब जो मैं आपको दूंगी अनसिन पैसेज अभी एक घंटे में भेज दूंगी टेलीग्राम पे आपने रात में टाइम निकाल कर या अर्ली मॉर्निंग क्लास से पहले आपने वो सॉल्व करा तो जब आप बार बार ही किसी चीज में अपनी मेहनत डालोगे ना तभी आपको पेपर में फल मिलेगा ठीक है अगर आप डायरेक्टली वहां जाओगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है आपके लक के ऊपर है हो सकता है आप कर लो हो सकता है आप ना कर पाओ इट्स टोटली अपॉन योर लक ठीक है सो यहाँ पर परसिस्टेंस का मतलब हमें पता है बट अगर पेपर में आपको नहीं भी पता कि भाई डिफिकल्ट टाइम में भी कॉन्टिन्यू करना तो भी आपको रिवॉर्डिंग तो दिख ही रहा है तो कोई तो एक ऐसा वर्ड होगा जिसका मतलब आपको पता होगा ठीक है यस वाइल्ड राइटिंग यू कैन ऑल्सो यूज सिंपल सेंटेंसिस यू कैन ऑल्सो यूज दैट मेरे बच्चे उसमें कोई नुकसान नहीं है ठीक है चलिए अब ये बताओ अब यहां पर और पहली बात तो ना एग्जामिनर को भी पता है बच्चे का दिमाग कहाँ तक जाएगा इसे ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है ठीक है दसवीं के बाद ग्यारहवीं के बाद बारहवीं के बाद बच्चे बाहर भी जाते हैं पढ़ने तो मैंने बहुत बार बोला है आइल्स का पेपर होता है और आयल्ट के लिए ना लोग पैसे लेते हैं मुझे समझ नहीं आता क्यों लेते हैं भाई पैसे उसमें कुछ नहीं होता बच्चों मैं बता रही हूँ मैंने पेपर दिया मैंने क्लियर करा है अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा मैं आपको सर्टिफिकेट लाकर दिखा दूंगी अब एक्सपायर हो गया वो अलग बात है क्योंकि मैं बाहर जा नहीं पाई पैसों की तंगी की वजह से बट मैंने बार बार, बार बोला है कि आइल्ट के पेपर में भी इंग्लिश में क्या होता है बाहर जाने के लिए इतना बड़ा एग्जाम सिर्फ उसमें प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ प्रैक्टिस रीडिंग पैसेज में उसके लोगों को लगता है अरे बड़ा टफ रीडिंग पैसेज है भाई

लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट अ अ न्यू डे फ्रेश स्टार्ट बर्थ चिर्प नेचर वेक्स अप अ पीसफुल फीलिंग इन माई हार्ट कौन सी पोम लग रही है आपको क्या ये आपको वियर्ड लग रही है इमोशनल तो हुए नहीं हम इसको पढ़ के कॉम्प्लेक्स भी नहीं लग रही तो क्या है ये वट इज दिस जल्दी बताओ फटाफट बताओ बच्चे हां जी बिल्कुल बहुत आसान सिंपल है ये है ना ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है दैट्स इट ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं ज्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे नहीं लगाना गॉट इट तो इस तरीके से अपने को करना है बस समझने की देर है आप दोबारा से मैं एक बारी रिकैप कर देती हूँ आप लोगों के लिए कोई भी बच्चा पूरे वर्ड्स को नहीं समझ पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है हमें सिर्फ उसका मतलब समझना है एसेंस समझना है अभी भी हमने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड आएंगे थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन का आंसर देने लायक हो जाएंगे ठीक है पैनिक नहीं करना और पेपर के स्टार्टिंग में पैसेज नहीं करना क्योंकि अगर पेपर की स्टार्टिंग वाली एनर्जी आप इसमें डाल दोगे ना तो फिर आपका पूरा पेपर वैसी जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा टाइम मैनेज करना सीखो लैंग्वेज पेपर में ठीक है तो सबसे पहले अपने लिटरेचर पार्ट से आप लोग शुरू करेंगे उसके बाद अपना राइटिंग पार्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों भारी हैं इनमें लिखने वाला काम बहुत है ग्रामर में और रीडिंग में तो क्या है कि आपको थोड़ा ही लिखना है बट ये ये भारी काम है ये भारी पोर्शन है इसे आप छोड़ नहीं सकते ये आपका रह नहीं सकता तो आप इसमें आप पहले अपनी पूरी एनर्जी लगा दो क्योंकि ये आप प्रिपेयर करके जा रहे हो है ना तो आप कोशिश करो कि भाई आप लोग अपना फोर्टी फाइव मिनट्स के अंदर आप इन दोनों सेक्शन को अपने कंप्लीट करो उसके बाद ग्रामर में ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं है ना एक एक वर्ड आपको लिखना है तो पंद्रह बीस मिनट में ग्रामर करो और फिर अपना जो टाइम है वो जल्दी जल्दी रीडिंग पैसेज को दो तो। ठीक है हाँ, जो अगर आपके पंद्रह मिनट है तो उन पंद्रह मिनट में आपने क्वेश्चन पेपर पे नजर मार लिया तो आप अपना रीडिंग पैसेज पढ़ लो इससे आपका बाद का टाइम सेव हो जाएगा आपको पता चल जाएगा एक आइडिया लग जाएगा कि रीडिंग पैसेज में बात क्या हो रही है तो आप अपने फिफ्टीन मिनट्स को वहां पर यूटिलाइज कर लो समझ में आया पर मैं दोबारा बोल रही हूँ पेपर है पेपर एक कागज है ठीक है पेपर हमसे है समझ रहे हो हम पेपर से नहीं है तो बात यह है कि पेपर को इम्पोर्टेंस दो बट खुद को ऊपर रखो के भाई मैं कर लूंगा एक पेपर मेरे को डराएगा क्या मैं कर लूंगा भाई चार दिन है अभी कर लूंगा तीन दिन में हिंदी करके पेपर में मचाया है अभी हमारे पे पांच छह दिन है ना आज का दिन मिला के अभी कर लेंगे भाई एक सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बस ठीक है तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप लोग अगर आप लोग कल मुझसे ना भी पढ़ो तो प्लीज इस तरीके से पढ़ना कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए अगर आप मान लो चार घंटे लगा के या दो घंटे लगा के केवल अपना पोएट्री सेक्शन कर रहे हैं या केवल अपना दो चैप्टर कर रहे हैं तो उसका कोई काम नहीं है ठीक है तो दो घंटे आप वहां वेस्ट करोगे इससे बेटर है पांच घंटे में पूरी फर्स्ट फ्लाइट की बुक हो जाएगी ठीक है पोएटिक डिवाइसेस के सहित हो जाएगी क्वेश्चन आंसर्स के सहित बार बार बोल रही हूँ तो प्लान अगर आपको मेरा प्लान चाहिए तो ऊपर मैंने पिन कर दिया है कमेंट पे पिन है यूट्यूब का लिंक आप लोग जाओ वीडियो को देखो लास्ट फोर डेज प्लान फॉर इंग्लिश टेलीग्राम पर भी लिंक है ऊपर भी पिन है पूरा का पूरा उसमें एक टू डू लिस्ट बनाओ पूरा टाइम टेबल बनाओ मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो या मुझे टेलीग्राम पे फोटो खींच के भेजो ठीक है सो देट आई कैन चेक कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो जेन्यनली uh, मेरी बात को सुन रहे हैं तो दो मिनट लगेंगे आपको

Uh, पूरी मेहनत हम लोग करेंगे मेरा भी बोर्ड का पेपर ही है कि प्लीज लिंक मेंशन uh, है पिन में, आप ऊपर देखो एक कमेंट पिन हो रखा है ना आप उस पर क्लिक करोगे एक लिंक है उसे देख लो पंद्रह मिनट की वीडियो पूरा शेड्यूल दे रखा है कि कौन सी चीज कब कराऊंगी और कैसे कराऊंगी चौबीस तारीख को सुबह दस बजे ग्रामर है तो ऐसे तो आप खोए हुए रहोगे आप एक बार शेड्यूल देखकर अपना लिख लो और उसकी फोटो खींच के मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज दो या इंस्टाग्राम पे टैग कर लो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ठीक है चलिए सो so, आज के लिए इतना ही क्योंकि आज आप पेपर भी देकर आए हैं वरना तो क्लास में और चलाती अभी दो घंटे और चला देती मैं और सॉल्व करा देती दो तीन बट कोई बात नहीं कल से पढ़ेंगे अभी आप रेस्ट करो दिमाग को थोड़ा रिलैक्सिंग मोड पे लाओ और कल मिलते हैं सुबह दस बजे ठीक है जी कल आ रहे हो कि नहीं जल्दी बताओ जो जो कल आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में यस मैम विद स्पैम कर दो मैं भी देखू साढ़े सात हजार बच्चों में से कितने बच्चे मुझे कल भी मिलने वाले हैं जल्दी जल्दी और क्या हम क्लास के एंड होने से पहले टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लाइक्स को क्रॉस कर सकते हैं पेपर प्रेजेंटेशन से लेकर हर एक चीज आपको मेरे सेशंस में पता चलेगी जो कल से शुरू हो रहे हैं एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको ना पता चले ऑफलाइन की तरह मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ तो तो सर्च कर लो दैट वुड ऑल्सो वर्क फॉर यू ठीक है वैसे तो टेलीग्राम चल रहा होगा मैं एक बार देख भी लेती हूँ कि भाई ऐसा अगर नहीं चल रहा है तो फिर अपन कुछ करें उसका जुगाड़ निकालें बट वो चल रहा होगा जहां तक मुझे लगता है डेफिनेटली चल रहा होगा तो ये हमारी क्लास चल रही है इसे ही खोल लेती हूँ मैं ठीक है ये आप देख रहे हो कल की भी क्लास आ रही है ये हमारी कल की क्लास है तो रिमाइंडर सेट कर लो ऑलरेडी बच्चे वेट भी कर रहे फर्स्ट फ्लाइट कल की क्लास है तो फिलहाल मैंने अभी अभी की क्लास खोली और ये रहा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे ये रहा और ये रहा मेरे टेलीग्राम का लिंक सबसे ऊपर तो अगर मैं टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करूंगी सो खुल रहा है टेलीग्राम ठीक है सो टेलीग्राम खुल रहा है अगर नहीं खुल रहा है तो आप लोग सर्च कर लो शर्मा इंग्लिश ऑफिशियल करके जिन जिसके कुछ फोर्टी फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर्स के आसपास होंगे, वो वाला आपको फॉलो करना है अगर कोई फेक होगा तो उसे नहीं करना चलिए गाइज दो क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे मेरी पीडीएफ से देखा बचू ऑल राइट सो आईल गो आई ऑल्सो टेक सम रेस्ट कल मिलते हैं दस बजे मचाने फोड़ने ठीक है आई विल सी यू गाइस खाना पीना लेके बैठना कॉपी वॉपी सब अपना पेंसिल पेन पेंस सब लेके बैठ जाना पानी की बॉटल लेके बैठ जाना सीनियर्स को भी यही बोला था तुम्हारे चलो जी सो मिलते हैं इनफ मोर देन इनफ भाई सीनियर्स की बात नहीं सुनी वो बेचारा सौ रुपए देकर अपनी बात भी बोल कर गया सुपर चार्ट में तुम्हारा सीनियर उसकी बात भी नहीं सुनी तुमने कि उसने बोला कि भाई अंधा भरोसा कर लो और जो मैम बोल रही है वो फॉलो कर लो और नाइन सेवन नाइन एट नंबर तो दिलवा कर रहूंगी चलो भाई ग्रामर होगा चौबीस तारीख को बार बार बोल रही हूँ बार बार बोल रही हूँ भाई मेरे ये वाली वीडियो देख लो प्लीज ये कमेंट सेक्शन है यहाँ पर पिन कर रखा है इस पे क्लिक कर दो वीडियो खुल जाएगा ये रहा वीडियो प्लीज इसको देख लो पूरा का पूरा शेड्यूल आप लोगों को दे रखा है आज ही वीडियो डाला है मैंने ठीक है फाइव आवर्स अगो ही वीडियो डाला है बेस्ट इंग्लिश शेड्यूल यू विल गेट बोट टू चैनल से भी उठा सकते हो होम पेज पे जाओ यहाँ पे वीडियोस पे जाओ ये रहा ये स्टूडेंट रिएक्शन से पहले वाला जो वीडियो है अभी फाइव आवर्स अगो का इंग्लिश प्लान इसे खोल लो इसमें पूरा प्लान है डेट वाइज ओके okay. चलिए जी सो आई विल सी यू गाइस टुमारो देन एट द सेम टाइम तो नहीं बोल सकती एट टेन ए एम दस बजे मिलते हैं बाय बाय टेक केयर ऑफ योर आई लव यू गाइज बाय ओ एक और सुपर चैट आया सुपर चैट से खुश नहीं हूँ मैं सीनियर ने कुछ तो बोला है उससे मैं खुश हो रही हूँ तो क्या बोला एक बार हाँ। दोबारा से वही जस्ट ट्रस्ट हर ऑल द जूनियर शी विल नॉट लीव यू टिल द एग्जाम डे जस्ट बिलीव इन हर एंड लिसन टू हर शी हैज गॉट योर बैक आई लव यू ब्रो वेरी थैंक यू यू